क्योंकि अगर हम देखें कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, मतलब जिस भी चीज को हम सोचें, क्या बच्चे स्वभाव में जब पैदा होते हैं उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उनमें एक चीज है जो कांस्टेंट होती है कि वो जिज्ञासु होते हैं, वो इंक्विजिटिवनेस उनके अंदर होती है और जिसको हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम उनके जवाबों के लिए तैयार नहीं होते। अगर वो कोई ऐसा सवाल भेज दे हमारी तरफ जिसके लिए हम तैयार नहीं है, तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती है और फिर हमें लगता है कि इस सवाल को कैसे टाला जाए, इस पर डिस्कशन कैसे रोका जाए, ताकि हम, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है। बच्चे का सवाल पूछना गलत नहीं है, पर हमारा जो क्योंकि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ऐसे सवालों से, क्योंकि हम जवाब के लिए तैयार नहीं है, तो हम कई बार ऐसे सवालों को या तो डांट कर, और चाहे तो फिर हम उनको किसी तरह से झूठी कहानी सुनाकर बस उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन ये इसका हल नहीं है। आज से बहुत साल पहले शायद ये हल होते थे, जब हम आप सब छोटे थे, तो अगर मम्मी पापा से हमने कोई सवाल पूछा तो ज्यादातर एक झूठी कहानी सी सुना दी जाती थी, या फिर डांट दिया जाता था, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, और हम किसी कोने में जाके बैठ जाते थे। तो हमारे पास कोई जवाब ढूंढने का तरीका नहीं था, हम क्या करते, क्योंकि और दोबारा तो पूछ नहीं सकते, कोई बड़ा बात नहीं कर रहा था। तो जो जवाब था वो नहीं मिलता था, वो जीरो पे रहता था, मतलब हमें नहीं पता चला। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, अभी जवाब नहीं वाला क्वेश्चन हट गया, हमने डांटा, बच्चे कोने में जाके बैठ गया, उसके बाद उसके हाथ में एक वंडर बॉक्स है, उसने इसको चालू किया, उसने कहा आप नहीं बताओगे तो क्या आप सोचते मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंक्विजिटिवनेस है, कैसे हटाओगे उसको। अब उसने खोला, उसने एक लेटर टाइप किया, उसके बाद क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या इमेजेस आती हैं, क्या वीडियोस आते हैं, क्योंकि ये तो एक बाजार है और बाजार में जो सबसे ज्यादा बिकेगा उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो वो तो कैची स्लोगन भी लेकर आएंगे, वो तो कैची हेडिंग्स भी लेकर आएंगे, वो तो चाहेंगे कि हर कोई हमें देखे, हमें खोले। अब ऐसे में बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब हम तो उससे बात नहीं करें, और उसको उसको हमने अपने व्यवहार से ये बता भी दिया है कि हमसे इसके बारे में बात मत करो। हम ये नहीं बताते कि हम अनकंफर्टेबल है, हमारे पास जवाब नहीं है, हम ये बताते हैं कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें पूछना ही नहीं था, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इन सवालों के लिए खुद को तैयार कर ले, तो शायद कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए हमारे और बच्चों के बीच में। ये जो 3 लेटर वर्ड है ना, ये बहुत ही डराता है हमें कि ये क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक बार मैंने भी कहीं पढ़ा था कि एक 7 साल के बच्चे ने, पापा मम्मी बैठे बात कर रहे थे, एक 7 साल के बच्चे ने जाके पूछा, मम्मा ये सेक्स क्या होता है? दोनों की हालत खराब। उन्होंने कहा कि तुम उस बच्चे को डांट के बोले तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, जाके कंप्यूटर देखो, जाके वो अपना कार्टून देखो, ये बच्चों के मतलब की बात नहीं है। उसके बाद फादर ने मदर को बहुत बुरी तरह डांटा कि तुम्हारा ये बच्चे पे तुम ध्यान नहीं दे रही हो, ऐसे सवाल पूछता कैसे है ये वो। मदर को भी काफी गिल्ट हुआ। उसके बाद वो जब सब खत्म हो गया तो बच्चे के कमरे में गई, उसने देखा कि उसके स्कूल की डायरी खुली हुई थी, उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, उसकी एज लिखी हुई थी, सेक्स वाला कॉलम खाली था। वो बच्चा सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मम्मी इसमें क्या भरना है। लेकिन हम इतने डर जाते हैं कि हमें लगता है ये पता नहीं क्या पूछ रहा है, और हम उस सवाल से पहले ही भाग जाते हैं। तो ये अगर हम इस डर से बाहर निकल जाएं कि सेक्स पूछ भी लिया तो क्या है, मतलब अगर हम इसको एज वाइज, अगर हम सोचें कि हम एज वाइज कैसे इसको समझें कि किस एज में बच्चे की सोच कहाँ तक होगी और उसको क्या जवाब देना है, तो शायद बहुत सारे अनकंफर्टेबल जो इंसिडेंट्स हैं उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें, जिसको इतना अवॉइड करना इतना जरूरी है। समझें तो कि बच्चा पूछना क्या चाहता है। पहले सवाल की कैटेगरी भी थोड़ी लो होती थी, और मैं अगर सोचूं कि और बहुत पुराना अगर हम चले जाएं, तो शायद इस सवाल मन में आने से पहले आपके पास पार्टनर होता था, जब चाइल्ड मैरिजेस होती थी तो उस समय इतने सारे सवालों की जरूरत शायद नहीं पड़ती थी। और बहुत से लोग इस पे, क्योंकि जब आपके दिमाग में ये हॉर्मोन्स उबाल ले रहे होते थे, जब ये इमोशन उबाल ले रहे होते थे, तब आपके पास एक पार्टनर होता था। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अब पढ़ाई, हेल्थ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से अब हमें ये सब, क्योंकि नेचर के हिसाब से हम बढ़ना शुरू हो गए हैं। एक ट्रांजिशन है कि जब हम बच्चे थे, जैसे मान लीजिए 9 से 10 साल तक हम बच्चे थे, 18 साल के बाद हम अपने आप को एडल्ट कहते हैं। तो ये 10 से 18 साल के जो बीच का फेज है, ये ट्रांजिशन का फेज है। ना आप पूरी तरह एडल्ट हुए हो, ना अब आप बच्चे हो। ये इस समय बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे कि जो आपकी बॉडी में दिख रहा है, आपके दिमाग में बहुत कुछ बदल रहा है, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। वो ऐसा क्यों दिखता है, वो ऐसी क्यों दिखती है, उसके पास उसकी बॉडी ऐसी क्यों, वो लंबा क्यों, वो छोटा क्यों, वो मोटा क्यों, वो पतला क्यों, इतने सारे सवाल आते हैं। उसकी दाढ़ी मुझसे पहले क्यों आ गई, उसकी हाइट मुझसे ज्यादा क्यों हो गई, तो ये बड़े सारे सवाल आते हैं।
इस समय एक अच्छे दोस्त की और एक अच्छे एज इट मतलब उसके कहना चाहिए ट्यूटर या उसके फ्रेंड की उसको जरूरत है, जो उसके दिन पर दिन वाले आने वाले सवाल का जवाब दे सके। और अगर हमने ये डे टू डे वाले सवाल हैंडल कर लिए ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ये डर खत्म हो जाता है कि शुरू कैसे करें। सेक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शुरू कैसे करें, हम कहाँ से शुरू करें, बच्चा हमें कहीं ऐसी जगह ना ले जाए कि जहाँ हम एकदम से अनकंफर्टेबल हो जाए और हमें बीच में तो हम एंटर ही करना बंद कर देते हैं, हम उस जोन में एंटर ही नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में एक टीनेज बच्चे हैं। हाँ, ये आप थंब रेज वाला करके इसमें बटन दबाएंगे तो समझ में आएगा कि टीनेज बच्चे हैं जिसके। आप रिएक्शंस में जाके थंब वाला बटन दबा सकते हैं अगर आपको जवाब देना है हाँ में। आई थिंक काफी है जिसमें हम लोग चलिए इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जिनको टीनेज बच्चों के साथ डील करना होता है, मतलब जो डे टू डे लाइफ में चाहे टीचर की तरह से चाहे काउंसलर की तरह से या पेरेंट्स की तरह से जो टीनेज के साथ डील करते हैं, जिनको लगता है कि हम अच्छा हाँ थैंक यू। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी एक कोशिश की है कि हम बात करें, मतलब कभी बात शुरू करने की कोशिश की है कि हमने एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, या कभी कोशिश नहीं किया है, मतलब कभी कोई ऐसा कन्वर्सेशन आया उनके सामने और उन्होंने उसको हैंडल कर पाए, कभी ऐसा हुआ? आई थिंक बहुत कम है। ठीक है, हाँ ये वाकई मुश्किल होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, फिर भी मुझे अपने बच्चों के साथ बात करने में दिक्कत आई। मैं इसके छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जब मेरा बेटा 15 इयर्स का हुआ तो उसको पहले जब उसका बर्थडे था तो मैं बहुत दिन से अपने आप को तैयार कर रही थी कि 15 इयर्स पे मैं अपने बेटे को सेक्स एजुकेशन दूंगी। जब उसका 15 बर्थडे हुआ तो मैंने कहा कि आज मेरी तेरी मम्मी की तरफ से तेरी एक स्पेशल गिफ्ट है कि आज मैं तेरे को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। एंड उसका फर्स्ट रिएक्शन था मुझे नहीं सुनना। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरे को नहीं सुनना, मुझे बताना है, मैंने कब कहा। फिर मैंने उसके बाद पूरा दिन निकल गया, उसने पूरी कोशिश की कि वो मेरे आसपास भी ना दिखाई दे। फिर शाम को जब सब केक वेक थोड़ा ऐसे घर में कुछ बहुत मनाया नहीं था, पर शाम को मैंने उसे बोला चल पार्क में वॉक करते हैं, वो समझ गया कि मम्मी मुझे पकड़ने की फिराक में है। तो फिर भी मैंने उसको पीछे घूमती रही कि मुझे तेरे से बात करनी है। मैं उसको पार्क में लेके गई, मैंने कहा चल अपन बात करते हैं। मैंने पूछा कि तेरे दोस्त जो है आजकल किस तरह की बातें, तुम्हारे बातों के टॉपिक बदल गए होंगे ना आजकल। नहीं, हमारे तो सेम ही है। और उसने मतलब पूरा मेरे किसी भी बात का सीधी तरह से जवाब नहीं दे रहा था वो। फिर मैंने उसको बोला कि देख बेटा, अगर आज तू मुझसे बात नहीं करेगा तो फिर कल को ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि हम एक स्टेज पे खड़े हो गए हैं कि आज मैं तेरी मदर से तेरी फ्रेंड के कैटेगरी में आना चाहती हूँ, तो कुछ दीवारें हमें गिरानी होंगी आसपास से। हम लोग एक बेंच पे बैठ गए और वो बेंच में मतलब जैसे मैं ऐसे बैठी हूँ तो पूरे 90 डिग्री पे मुंह उधर घुमा के और पैर ऊपर रख के बैठा रहा। और पूरे कन्वर्सेशन में उसने एक बार भी ये जताया नहीं कि मैं वो मेरी बात सुन रहा है। उसने पूरे कन्वर्सेशन में ये दिखाया कि आप बिल्कुल बेकार की बातें कर रहे हो, मुझे तो सुनना ही नहीं है। उसके बाद बात खत्म हो गई और मैंने मतलब मेरे को तो अपने आप को लगा कि चलो ठीक है, नहीं सुना कुछ तो गया होगा कान में, मैं बोल आई। फिर इसके 3-4 दिन बाद उसने मुझसे कुछ एक सवाल पूछे, आप उस दिन ये बोल रही थी इसका मतलब क्या होता है? तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो कान में गया था। लेकिन मैंने देखा कि ओवर द पीरियड अगले 1 महीने में हमारी बॉन्डिंग धीरे धीरे स्ट्रांग हुई। वो अपने दोस्तों के सवाल आके मुझसे पूछता था, मम्मी वो नाइटफॉल सभी को होता है क्या? मैंने कहा सबको होता है, किसी को ऐसा भी हो सकता है, किसी को वैसा भी हो सकता है। मैंने कहा तो जरूरी नहीं है ना कि नींद खुले ही खुले। मैंने कहा लेकिन लड़के ऐसे बोल रहे थे। तो धीरे धीरे हमारे जो बीच का कन्वर्सेशन था, आज हम 3 साल हो गए इस बात को और अब हमारे बीच में ऐसे बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं और बहुत कॉमनली होती है। मतलब हम एक बैठ के बातें करते हैं, जैसे कि अगर ये बॉयज लॉकर रूम हुआ तो उस पर बैठ के हमने चर्चा की कि ऐसा क्यों हुआ, लड़के क्या सोचते होंगे। तो मुझे बता रहा था कि मम्मी आप कितनी भी कोशिश कर लो, लड़के मैं कितना समझाता हूँ। मतलब अगर उसके साथ अच्छी बात यह है कि अगर कोई किसी बात का मतलब किसी चीज को एक्ट को देखना और उसके उसकी परसेप्शन बनाना, उसको इंटरप्रेट करना कि ये क्या है, अच्छा खराब नॉर्मल अबनॉर्मल, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो कम से कम जब उसको गलत बच्चे इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वो उनको कह देता है नहीं ये बार ऐसे नहीं, ऐसे होती है यार, ऐसा नहीं है कि नाइटफॉल कोई बीमारी होती है, नाइटफॉल तो नॉर्मल होता है, मैस्टरबेशन तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो कम से कम उसके पास उसे ये पता होता है कि उसकी डायरेक्शन अपनी तो बाकी लोगों की डायरेक्शन को भी वो काफ़ी हद तक ठीक करने में मतलब सक्सेसफुल होता है। और ये
ये मेरे लिए तो एक अचीवमेंट था कि कम से कम उसने पहली बार सुना तो अब हम डिस्कशन कर पाते हैं। तो ये जो पहली बार जो दीवार गिरानी होती है ना, शायद हम पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे हमें लगता है कि कोई फायदा है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ना एक बार समझनी पड़ती हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार हैं कि उसके जो सवाल आएंगे वो किस तरह के होंगे। तो ये कुछ कुछ सवाल, अगर आप लोग के मन में कुछ भी सवाल इस वक्त लेकर आ रहे हो ना, जहां आपने डील किया और डील करते हुए जो आपको दिक्कतें आई, ठीक है, तो उन चीजों पे अपन बात करते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल ये आता है सेक्स, कोई पूछे सेक्स क्या होता है, तो मुझे लगता है अगर बच्चा छोटा है तो हम उसको ये बताएं कि सेक्स का मतलब ये होता है कि जब आप पैदा होते हो तो आपकी बॉडी को देखकर डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इसको हम मेल कैटेगरी में रखेंगे या फीमेल में रखेंगे। तो जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकली आपकी बॉडी होती है वो आपका सेक्स होता है। फिर दूसरा सवाल होता है कि सेक्स और जेंडर, मतलब ये भी आप जब उसको सेक्स के बारे में बताओ तो आप उसको ये भी बताओ कि बेटा ये सेक्स आपकी बायोलॉजिकली जो बॉडी होती है वो होती है, और जेंडर, जेंडर आप जब धीरे धीरे बड़े होते हो तो आपका दिमाग जब बड़ा होता है, आपके हार्मोन्स आपको बताते हैं, कई बार आप मेल बॉडी में हो लेकिन आपके हार्मोन्स आपको कहते हैं कि आप तो फीमेल हो, आपकी आपका दिमाग आपको कहता है कि आप तो फीमेल हो, आपको लड़कियों वाले कपड़े पहनना अच्छा लगता है, आपको लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, आपको काजल लगाना अच्छा लगता है, बहुत सारे ऐसे काम है जो लड़कियां यूजुअली करती हैं वो अच्छे लगने लगते हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपका जेंडर जो और सेक्स दोनों अलग है, आपकी बॉडी का जो सेक्स है वो मेल है लेकिन आपका जो जेंडर है वो फीमेल है। तो अगर सेम बॉडी और सेम सेक्स होता है, मतलब कि अगर मैं फीमेल बॉडी में हूँ और मेरा जेंडर भी फीमेल है, मैं फीमेल की तरह सोचती हूँ, तो इसको कहते हैं सिस जेंडर। सिस जेंडर मतलब सेम बॉडी बायोलॉजिकल और मेरी जो फिजियोलॉजिकल जो मेरी बॉडी है दोनों सेम है, वो सिस जेंडर है। लेकिन अगर मेरी बॉडी फीमेल की है और मैं मेल की तरह सोचने लगती हूँ, मेरे को बार बार मेरा दिमाग मुझसे कहता है तू तो फीमेल है ही नहीं, तू तो मेल है, ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, तू तो मेल है, तो ये मेरी बॉडी मुझे कहती है कि तुम गलत बॉडी में पैदा हो गए हो, तुम तो मेल हो, तुम्हें तो मेल होना चाहिए। तो ये होता है ट्रांसजेंडर, बॉडी मेल की है या फीमेल की है लेकिन आपका दिमाग डिफरेंट है, तो ये ट्रांस हो गया, उल्टा हो गया, मतलब बॉडी ये सिस जेंडर, अगर हम इसे ट्रांसजेंडर समझें कि आपकी बॉडी और आपका दिमाग बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम जब जेंडर और सेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये डिफरेंशिएट करना बता सकें कि सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें हैं, और इसमें इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि पहले हम सोचते थे कि राइट हैंडेडनेस जो होती है वही नॉर्मल होती है, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो वो एबनॉर्मल है, और हमारे टाइम में तो बहुत पीटा पाटा भी जाता था कि सीधे हाथ से काम नहीं किया तो खूब अच्छे से पिटाई हो जाती थी, मार मार के सिखाया जाता था कि सीधे हाथ से खाना खाओ, सीधे हाथ से खाना खाओ। लेकिन एक दिन लोगों ने मान लिया, साइंस ने बताया कि जिनका राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, और धीरे धीरे हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। सेम चीज़ आज जेंडर के लिए भी है कि हम अभी मानने को तैयार नहीं, हमें लगता है लड़का होकर लड़कियों जैसे काम कर रहा है तो पीट पाट के उसको वापस लड़का बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है एक टाइम आएगा जब हम ये भी समझ जाएंगे कि आपका ब्रेन किस तरह से डेवलप हो रहा है वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, उसको भी हम राइट हैंडेडनेस की तरह शायद नॉर्मल या राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेडनेस की तरह नॉर्मल मानना शुरू कर दें। एक सवाल है कि किस एज पे बताना चाहिए, ये अभी अगर देखा ना तो सेक्स कोई एक चीज नहीं है कि आपने आज सोचा और आपने आज उसको बैठा के सारा बता दिया, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है क्योंकि ये डेवलप भी ग्रेजुअली हो रहा है। जब आपका बच्चा, जैसे लड़कियां 9 साल पे और लड़के 10 से 11 साल पे, जब उनके बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए, जैसे हम एक लाइन खींच लें कि 10 साल से पहले वो बच्चा था, 18 साल के बाद वो एडल्ट हो गया, तो इस 10 से 18 साल के बीच में हमें ग्रेजुअली उसको बताना है कि सेक्स क्या है। तो सबसे पहली चीज कि उसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे आप अपने बच्चे को नहलाते हो या उसको कपड़े पहनाते हो तो आप उसको बताएं कि देखो बेटा ये तुम्हारी बॉडी में ये कुछ नए, जैसे मेरी बेटी है तो जैसे मैं सपोज उसको बोलती हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमेशा ना राइट वर्ड यूज कीजिए, राइट वोकैबुलरी यूज करिए। जैसे आप बॉडी के पार्ट का नाम लेते हैं ना तो वो बॉडी के पार्ट का राइट नेम लीजिए, उसको कोई भी निक नेम मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने जैसे शुरू में हम क्या होता है ना बच्चे को ये बताना शुरू करते हैं तुम्हारा ये फोरहेड है, ये आईब्रो है, ये आईज है, ये नोज है, ये माउथ है, ये नेक, इसके नीचे सब गंदा है, उसके बाद की बात हम करना बंद कर देते हैं। तो ये चीज उसके दिमाग से और अपने दिमाग से सबसे पहले हटाइए कि कपड़ों के अंदर सब गंदा नहीं है, ये बॉडी है और बॉडी को सिर्फ बॉडी ही समझने की जरूरत है। जो नाम है उनके बॉडी पार्ट्स के राइट नेम बच्चे को पता होने चाहिए, ताकि कई बार जैसे हम जोक में भी सुनते थे ना कि मम्मी ने उसको ये बोल दिया कि एक मैं पढ़ रही थी कहीं कि किसी लड़की को मम्मी ने समझाया कि बेटा अगर तुम्हारे को कोई ब्रेस्ट टच करे या कुछ करे तो मुझे बता देना, कोई तुम्हारे साथ गुड टच बैड टच में,
और अगर कोई कहता है तो तुम मुझे बता देना कि मम्मी मेरा वो फूल तोड़ रहा है। तो उसके बाद उसकी एक दिन ऐसा कुछ हुआ और उसके अपने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी वो मेरा ना फूल तोड़ रहा है। तो तब तक मम्मी भूल गई मैंने उसका कोई कोड वर्ड रखा था, उसने आके बोला कि क्या हो गया अगर एक फूल तोड़ रहा है, छोटी सी बात पे आके मुझे परेशान मत करो। तो ये हर कोई अगर अलग अलग वर्ड रखता है, हर कोई, जैसे मेरी बेटी एक दिन आके मुझे पेंसिल दिखा रही है बार बार, तो आपस में बैठे हुए हैं तो कह रही है ऐसे से कर रही है, मैंने पूछा क्या हुआ, हंसे जा रहे हैं, ऐसे से दिखा रहे हैं एक दूसरे को, हंसे जा रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलता है पेन इज पेन इज पेन इज। अब उसके लिए पेन दिखाना भी, अब कल को आप ऐसे लेके बैठे हो तो आप इस पेन दिखाने पे भी शर्माने लगोगे, है ना। तो कहती कि मैंने बोला, मतलब थोड़ी देर तो मुझे भी समझ आने में लगा कि दिस इज पेन बोलना चाहिए, नहीं पेन इज पेन इज। तो फिर मुझे समझ में आया कि आज क्लास में कुछ ऐसा हुआ है कि इसको अब ये, अब जब भी वो ऐसे करके बैठे तो आपके दिमाग में ना कुछ चलने लगता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को राइट वोकैबुलरी अगर हम सिखाएं तो ये जो इस तरह की, ये जो अब ये भी छेड़ना हो गया, अब पेन को पेन बोलना भी छेड़ने जैसा लगने लगा ना। तो ऐसे में अगर हम अपनी बॉडी को, जब बच्चे को आप 10 साल के 11 साल के बच्चे को आप नहलाते हैं तैयार करते हैं तो उसको बोलो अरे तू तो बड़ा होने लग रहा है, जैसे मैं अपनी बेटी के लिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि अरे तू तो बड़ा हो रहा है, अरे तेरी तो ब्रेस्ट बड भी आने लगी है। तो फिर धीरे धीरे जब कि बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो ना, यहाँ पे एक नोड्यूल फील होगा, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा। जब थोड़ा और बड़े हो तो आप उसको आराम से बोलो कि ब्रेस्ट जो है ना बेटा, ये जो होता है इसके लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो आपको कपड़ों में ये एक्स्ट्रा कपड़ा पहनना होगा जिसको आप ब्रा कहते हो, इसको, क्योंकि ब्रेस्ट में कोई मसल या कोई बोन नहीं होती सपोर्ट के लिए, तो हमें बाहर से सपोर्ट देना पड़ता है। ये नॉर्मली अगर हम इसको बहुत आराम से कन्वर्सेशन में बात करें, आप बोलें कि ये जो बीच वाला, मतलब अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो ब्रेस्ट को ब्रेस्ट बोलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर आप उसके बहुत सारे कोड वर्ड रख देंगे तो आपको खुद ही, आपकी जब आप ये बात बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली कि हाँ एक बॉडी का पार्ट है, कि मम्मी कैसे बोल रहे हैं यार, क्या हुआ, नॉर्मल है, फॉर्मल बॉडी का पार्ट है। आप उसको बताओ कि देखो अब आपकी जो स्किन है वो पहले से थोड़ी ग्लो करने लग रही है, अरे तुम्हें तो पिंपल्स आ रहे हैं, बड़ी हो रही है मेरी बेटी, अब तो मेरे बच्चे के बाल भी, तुम्हें तो वॉइस भी थोड़ी चेंज होने लगी है। तो हम जब ये फर्स्ट स्टेज होती है ना, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को तब होती है, क्योंकि ये जो चेंजेस होते हैं ये बता के नहीं आते, घंटी बजा के इन्फॉर्मेशन दे के नहीं आते कि आज मैं ये हो गया हूँ, बच्चे को पता ही नहीं होता। अचानक से वो देखता है मेरी बॉडी में कुछ अलग हो रहा है, अब किससे पूछे क्या हो रहा है। तो ज्यादातर अपने बच्चे अपनी हम उम्र लोगों से पूछता है, या कई बार शर्म के बारे पूछता भी नहीं, क्योंकि हमने उसके उन बॉडी पार्ट्स का नाम कभी लिया नहीं, तो वो उसके पास वर्ड्स भी नहीं होते कि वो आपसे एक्सप्रेस कैसे करे। तो ऐसे में ना बहुत सारे लोगों को देखता है इसका तो नहीं हो रहा, उसका तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा, तो वो अपनी बॉडी शेमिंग पे आ जाता है, उसको ना अपनी बॉडी में थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अगर मम्मी पापा उसको ये बात बताएं कि आपकी बॉडी में हो रहा है बेटा, ये सबकी बॉडी में होगा, आपके ब्रेस्ट एनलार्ज होंगे, किसी के ज्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं, ये इसमें सब इंसान अलग है, अब तुम चाइनीज की तरह तुम्हारा फेस नहीं है ना, तुम यूरोपियन की तरह तुम्हारी, हर कोई अलग है, सबकी स्किन अलग है, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, सबकी बॉडी पार्ट्स अलग है, तो तुम अपनी तरह ही ग्रो करोगे और वही नॉर्मल है, किसी और की तरह ग्रो करना नॉर्मल नहीं होता, अपनी तरह ग्रो करना नॉर्मल है। तो जब आप बच्चे के साथ एक हेल्दी कन्वर्सेशन 8-9 साल के बच्चे से यहीं से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपसे वो बच्चा पूछेगा कि मम्मी उसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्या वो नॉर्मल है या मैं नॉर्मल हूँ। बेटा वो अपनी तरह का नॉर्मल है, तुम अपनी तरह नॉर्मल हो, हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। जब उसके आप देखते हो कि नहलाते हुए उसके आर्मपिट में बाल आ रहे हैं, तो उसको बताना शुरू करो कि अच्छा यहाँ पे आने शुरू हो गए, धीरे धीरे आपके प्यूबिक एरिया में भी हेयर्स आएंगे, डरना मत, ये नॉर्मल होता है, जब हम बड़े हुए थे हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये धीरे धीरे आपको उसे कुछ अलग से लेके नहीं जाना है, आपको नहलाते हुए तैयार करते हुए उसके साथ उसके कपड़े चेक करते हुए आप उसको बहुत सारी बातों में उसके कन्वर्सेशन में एंटर कर सकते हो, उस जोन में एंटर कर सकते हो जहां वो सवाल पूछना चाहता है। इसके लिए कोई अलग से कोई एज डिसाइड नहीं होती, जिस दिन आपको लगे कि कोई चेंज आपको अपने बच्चे की बॉडी में दिखाई दे रहा है उस दिन आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, यार बेटा तुम्हारी बॉडी में ये चेंज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब तुम बड़े होने की तरफ, अब ये एज आ गई, धीरे धीरे बहुत सारे चेंज होंगे, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, तुम्हारी जैसे लड़कियां है तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा, लड़का है तो फेशियल हेयर आएंगे, तुम्हारी जो ये सब तुम्हें गूगल पे या तुम्हारी बुक्स में सब जगह लिखा हुआ है कि तुम्हारा सीना चौड़ा होगा, तुम्हारे चेस्ट पे बाल आएंगे। तो जब उसकी बॉडी में वो चेंज हो रहे हो तो वो शेमिंग ना हो, उसको ये ना लगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, वो उस तरह की चीजें तैयार, मतलब उस चीजों के लिए तैयार हो कि हाँ ये होगा। जब हम उसके बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो आप उसको बच्चे को बताते हैं कि बेटा आपकी डॉक्टर बताता है, जब आपको चेक करता है वो बताता है कि लड़का ये बच्चा मेल है या ये बच्ची फीमेल है, तो उसके हिसाब से आपका सेक्स डिफाइन होता है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तब हम उसको बता सकते हैं कि आपके बाकी एक एज तक लड़का लड़की पहचानना मुश्किल होता है, अब से लेके एडल्ट होने तक आपकी बॉडी में अब भाई और आप बिल्कुल अलग अलग तरह से बड़े होंगे, भाई की बॉडी में अलग तरह के चेंजेस होंगे,
आपकी बॉडी में अलग होंगे। तो आप अब अपने आप को, जब भी आपको कुछ लगे ना कि आपकी आपको कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, ये सिर्फ बॉडीली चेंजेस की बात नहीं कर रही, सवाल बहुत आएंगे मन में, बहुत गुस्सा आता रहेगा हर बात पे लगेगा, क्योंकि बच्चा उस वक्त अपने अंदर जो हो रहे चेंजेस हैं उससे वो भी लड़ रहा होता है, क्योंकि बॉडी में कुछ नया हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। अगर पीरियड्स होने हैं, लड़की को दर्द हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, सबको पता नहीं कितने दिन ब्लीडिंग होती है, मुझे तो 8 दिन हो गए, वो पैड लगाना वो सब करना अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने आप से ही बहुत लड़ रहा होता है। ऐसे में उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, अगर हम एज ए पेरेंट्स उसके साथ खड़े हो कि बेटा बता क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, अपने एग्जाम्पल से, अपनी कजिन्स के एग्जाम्पल से, अपने घर में अपनी उसकी बड़ी बहन के एग्जाम्पल से, कि उसके साथ भी ऐसा हुआ और धीरे धीरे फिर हमें समझ में आया कि ये तो नॉर्मल है, तो तू भी मत घबरा। जैसे अभी एक लड़की का फोन आया मेरे पास कि मैम आपने एक दिन आके कहा था हमारी क्लास में कि पीरियड सब लड़कियों को होते हैं, मेरे को भी हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है, इतना कह के वो रोने लगी। मैम आपने तो कहा था कि 2 से 8 दिन नॉर्मल होते हैं, मेरे को तो 10 दिन हो गए, ये तो ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूँ। मैंने उसे बोला अपनी मम्मी से बात करो, तो बोलती है कि मम्मी ने तो एक बार मैंने पूछा था, मम्मी ने डांट दिया। अब सोचो वो बच्चा बेचारा, मतलब वो फोन पे लगातार रोए जा रही थी, लगातार रोए जा रही थी। मैंने उसको बहुत मुश्किल से चुप कराया, मैंने कहा बेटा चुप हो जा, और अब एक काम करते हैं कि अभी तुम जहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाओ, पहले 2 साल में 2 से 8 दिन का कोई पंडा नहीं होता, कभी कभी 10 दिन भी चल जाते हैं, तो पहले 2 साल में ये होना नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसका 3rd-4th दिन फोन आया कि मैम बंद हो गए। एक छोटी सी उसने लड़की ने, मतलब सोचो एक मेरे ख्याल से 10 साल की लड़की होगी, और इतनी ज्यादा जूझ रही थी अपने आप से, उसको इतना डर लग रहा था। अब ऐसे में कोई मम्मी उसको डांट दे, कोई लड़का बुलिंग करे, कोई लड़का उसको छेड़े, या कोई लड़की उसके साथ, तो सोचो कि मतलब हम डर जाते हैं ऐसे सवालों से आज खड़े होके, तो वो बच्चा कैसे मैनेज करेगा। तो बहुत जरूरत है कि जैसे 10 साल का बच्चा हो तो उसको उसके साथ ये कन्वर्सेशन धीरे 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 शुरू कर देना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन के लिए किसी ने पूछा है कि राइट वे टू डिस्क्राइब मेंस्ट्रुएशन, मुझे लगता है कि सबसे पहला, अगर 9 साल की आपकी बेटी है, 9 साल की बेटी को आप कम से कम पैड दिखा दीजिए, उसको ये बताइए कि पैड कैसे लगाते हैं, पैंटी में पैड कैसे लगाया जाता है, कैसे थ्रो करते हैं, एक किट बना दीजिए उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, कि अगर आपको बेटा कभी भी पीरियड्स हो सकते हैं, क्योंकि हर लड़की को होते हैं, दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो कोई हीरोइन हो, चाहे कोई पहाड़ पे चढ़ने वाली हो, कोई खिलाड़ी हो, सबको होते हैं। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हर लड़की के साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। उसमें तुम्हें कुछ दिन ब्लीडिंग होगी, और क्योंकि अब ब्लीडिंग होगी तो कपड़े खराब ना हो, इसके लिए कुछ एब्जॉर्बेंट लगाना पड़ता है, जिसको हम पैड्स कहते हैं। पहले कुछ डिफरेंट होते थे, आजकल ऐसे पैड्स हैं, ये आपके पैड आपकी पैंटी में चिपक जाएगा, और जब उसको थ्रो करना है तो रोल करके बाहर कर दीजिए और किसी कागज में लपेट के फेंक दीजिए। ये किट रख लो, इसमें आपके पास पैड है, एक पैंटी है, एक पेपर बैग है, इसके अलावा एक साबुन का या कुछ भी उसका पेपर सोप रख दीजिए, और एक न्यूज़पेपर रख दीजिए, कि जब आपको कभी भी लगे कि ब्लड आने जैसा लग रहा है और आपकी पैंटी खराब हो गई है, तुरंत टॉयलेट में जाओ, अपना पाउच लेकर वहां जाके अपनी पुरानी पैंटी को रोल करके इस पेपर बैग में डाल दो, नई पैंटी पहन लो, अपना पैड जैसे मैंने सिखाया वैसे चिपका लो, उसके बाद अपने हैंड वॉश कर लो, और अगर आपको कोई पैड थ्रो करना है तो आपके पास इसमें रफ पेपर रखा है ना मैंने, उसको रैप करके डस्टबिन में डाल दो। कोई डरने वाली बात नहीं है, सबसे ज्यादा डर यही लगता है ना पीरियड्स हो गए, तो उसके लिए आप उसको तैयार कर दिए कि बेटा ये किट आपके पास है, और उसके बाद भी कोई दिक्कत लगे, सबको ब्लीडिंग होती है, कभी कभी बच्चों को लगता है दिन में होती है रात में नहीं होगी, तो वो रात में नहीं करते, फिर सुबह देखते हैं बिस्तर पूरा गीला है तो वो बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे आज भी डर जाते हैं, तो उसको अच्छे से समझा दो कि 3 से 5 दिन ये कंटिन्यूअसली चलेगी, हर 6 घंटे में पैड बदलना है, भले ही वो गीला हो या नहीं हो, लेकिन पैड बदलना है। पैड बदलने से पहले भी और पैड बदलने के बाद भी अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, पैड को कभी खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो इससे इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें अपने बच्चे को समझा दो, तो उसका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे होगा कि कल जब उसको पीरियड होंगे तो वो डर के क्लास में रोएगी नहीं, मम्मी पास जाना है मुझे, मेरे साथ क्या हो गया, कम से कम वो टीचर को बता पाएगी, नहीं तो नहीं भी बताया तो वो जाके अपना पैड लगा के घर में आके बता देगी, जैसे मम्मी हो गए आज, पता है हो गए, तो ये कहते ना कि अच्छा हो गए चलो फिर तो आज ट्रीट होनी चाहिए, मेरी बेटी बड़ी हो रही है। तो कुछ हमारा जो जेस्चर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि हम उसे अपने से दूर कर रहे हैं या उसकी बातों को सुन रहे हैं, है ना। तो ये बच्चा बहुत, मतलब सच में बच्चे बहुत डरे हुए और बहुत उलझे हुए होते हैं ऐसे में। तो हमारा, अगर हम अपने आप को बहुत अच्छे से उनके सामने पेश नहीं करेंगे तो बड़ी सारी, मतलब उनको ये समझ नहीं आएगा कि अच्छा मम्मी से पूछना चाहिए था या नहीं पूछना था, पूछ के कोई गलती तो नहीं कर दी है मैंने। तो ये सारे सवाल जो छोटे छोटे हैं, जैसे बच्चों को नाइट फॉल होता है
बच्चे उसमें डर जाते हैं, आधे से ज्यादा लड़के ये सोचते हैं कि अब हमें जिंदगी में कभी बच्चा नहीं होगा, हम कभी फादर नहीं बन पाएंगे, हमारे साथ तो कुछ ऐसा हो गया। और दुनिया भर के नीम हकीमों ने इस तरह की गलत चीजें फैला भी रखी हैं, उनको लगता है वो उस तरह के ट्रैप में वो चलते चले जाते हैं कि अच्छा तुम्हें तो, अगर आप बच्चों को सही से बता दो कि कोई बात नहीं, नाइट फॉल होना बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे पीरियड्स का होना ऐसे नाइट फॉल का होना नॉर्मल है, रात में सोते हुए कई बार कुछ ऐसे फैंटेसी वाले ख्याल आए, कई बार कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से आपकी पेनिस हार्ड होगी और एक डिस्चार्ज आएगा, ये बहुत नेचुरल है, सिर्फ ये बताता है कि आप बड़े हो रहे हो। इसके अलावा आपको जब भी ऐसा लगे तो बस आपको एक काम करना है, अगर रात में आपकी नींद खुल जाती है तो अपनी पैंटी अपने को निकाल के धुलने के लिए डाल दीजिए, ड्राई अच्छे से वॉश कर लीजिए और ड्राई पैंटी पहन लीजिए, साफ और सूखा, बस दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ड्राई एंड क्लीन एंड ड्राई, ये दो बातें ध्यान रखोगे तो तुम्हें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें आपकी बॉडी सिर्फ आपको इंडिकेशन दे रही है कि आप बड़े हो रहे हो। तो लड़कियों में और लड़कों में पहली शुरुआत हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, मुझे अगर कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज एक बार बता दीजिए, सब समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? आई थिंक कुछ लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या उनको चांस दे सकते हैं प्लीज? अगर अभी बहुत सारे चैट में लोग बोलना चाहते हैं तो हम एक एक करके रख सकते हैं, जो अगर कोई सवाल है, क्योंकि बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है वरना एक साथ समझना मुश्किल होगा। आई थिंक विहाना मैम कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ देर से, मैम प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम आप ये ईयरफोन हटा के देख लीजिए, क्योंकि मैं भी ईयरफोन से कर रही थी तो कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बिना ईयरफोन के बोल के देख लीजिए। Am I audible now? Yes. हाँ, yes, ma'am. Yes, yes. My question is, sometimes my daughter comes to me and she discusses the things which other senior students of her school discuss among themselves, like their affairs and all these things. So this is very, very tough for me to describe her what all they are talking about and how to deal with it. I'm ek example deke bata sakti hain. Like one day she came and she said ki Isha Didi said me ki wo usko pasand karti hain, usne usko kiss kiya and all that. ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं तो ये एक अच्छी बात है कि पता है क्या होता है कि अभी तक लोग सेक्स से अगर बात करते हैं ना तो वो सिर्फ लस्ट पे लेके जा रहे हैं, आजकल की जितनी भी जनरेशन है ना, तो आप ये जैसे मैंने कहा कि बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो आप इसको बता सकते हो कि हमारी बॉडी को मतलब ये थोड़ा सा आगे का मैं सोच रही थी कि अगर हम इसको आगे लेके जाए कि रिप्रोडक्शन वन ऑफ द फाइव जो मेन हमारे कंटेंट जो हमारे लिविंग होने के जो पांच इम्पॉर्टेंट हम जिसको मानते हैं पॉइंट्स, उसमें एक रिप्रोडक्शन भी है। और मतलब जैसे मैं समझाती हूँ, मैं उस तरह से बता देती हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे, नहीं कि जैसे रिप्रोडक्शन कैसे भगवान ने सोचा होगा कि नए लोग इस दुनिया में आए, अगर सिर्फ फीमेल ही बनाते तो फीमेल फीमेल बना ही सकती थी, फिर जरूरत क्या थी मेल बनाने की, फीमेल बच्चे पैदा करती रहती, तो ये ऐसा क्यों बनाए कि दो अलग बॉडीज में हमने गैमेट्स दिए और फिर वो करें, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे और शायद ये भी चाहते थे कि एक लव कंपैशन प्यार वाली फील भी बनी रहे वर्ल्ड में हम एक दूसरे को, वरना तो अकेला आदमी अपने घर में बच्चे पैदा करे अपनी जिंदगी जी चला जाए, तो शायद कुछ ऐसी चीजें थी जो दुनिया में लाना जरूरी था, तो इसलिए दो गैमेट अलग अलग बॉडीज में दिए। और इसके लिए हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन देती है कि अगर पहला बच्चा, अगर पहला इंसान जब आया होगा उसके पास पेरेंट्स नहीं होंगे, टीचर्स नहीं होंगे बहुत, तो उसकी बॉडी के इंडिकेशन दिए होंगे कि खाली फिजिकल चेंजेस नहीं, कि आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, आपके इमोशनल, जैसे आप 10 साल के 11 साल के बच्चे को बताते हैं तो उसको बोलते हैं कि देखो बेटा दुनिया में ऐसा नहीं है कि लड़कियों को अलग दुनिया में पैदा किया गया, लड़कों को अलग दुनिया में पैदा किया गया, तो हम दोनों सेम दुनिया में रहते हैं, जैसे अपने घर में भी भाई भी होता है, बहन भी होती है, पापा भी होते हैं, मम्मी भी होती हैं, तो लड़कों से बात करना, लड़कों से मिलना, उन्हें पसंद करना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि हम एक दुनिया में रहते हैं, तो एक दुनिया में एक दूसरे, किसी की कोई चीज अच्छी लगेगी हम उसे पसंद करेंगे, हम उसकी तारीफ भी करेंगे, मैं तुम्हारी करती हूँ, पापा मेरी करते हैं, हम एक दूसरे की करते हैं, तो ये एक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो अभी तक तुम हमारे कहने से करते थे, फिर आपकी अपनी पसंद भी बन सकती है, कल आपको अपनी पसंद से भी तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें पसंद आ सकती है, मैं तुम्हें टिफिन लगा के भेजती हूँ, तुम सारा अपनी फ्रेंड को खिला देते हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी लड़के को पसंद कर लिया तो कुछ बहुत गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये एक नेचर है, हमारी नेचर है कि हम ऐसा करते हैं, तो इसको जरूरी नहीं कि आप हम उसे सेक्स की डायरेक्शन में लेके जाएं, हम उसको एक नॉर्मल
एक सोसाइटी में जब रहते हैं तो एक दूसरे को पसंद करना, प्यार करना कोई ऐसी बात नहीं है, और कोई बात नहीं प्यार से मैं भी तुम्हें कभी किस कर लेती हूँ, तुम भी कर ले। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो चीज़ें होती थी ना, जैसे कि मान लीजिए हमने, मतलब मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स रहे हैं कि जब छोटे घर होते थे तो हमने कई बार ये एक्ट होते हुए भी देख लिया, कभी चाची चाची या कभी ऐसे कई बार हो जाता था कि अननोइंगली आप किसी कमरे में घुस गए और कुछ गलत हो गया, आपकी नींद खुल गई, कुछ हो गया, हमारे पास इंटरप्रिटेशन नहीं होते थे तो वो एक एक्ट की रह जाता था कि पता नहीं क्या चल रहा था। अभी क्या है कि टीवी ने हमें इंटरप्रिटेशन दे दिए हैं बहुत सारे, जब लड़का लड़की किस कर रहे होंगे तो उनके फेस के जो एक्सप्रेशन होंगे ना वो इस तरह के होंगे कि वो बच्चे को समझ में आता है कि कुछ ऐसा है जिसमें कुछ अलग तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं या कुछ अलग तरह का हो रहा है। तो वो जब आप अपनी बच्ची से किस के बारे में बात करोगे तो उसके चेहरे का रंग ही अलग होगा, वो देख रही होगी जैसा जब टीवी में दिखाया जाता है, तो वो उससे मैच करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है क्योंकि हमने बात नहीं की ना तो उसके इंटरप्रिटेशन कहाँ से बन रहे, टीवी से बन रहे हैं, तो उसने देखा। तो अगर आप उसको बोलो कि बेटा मैं तुझे प्यार करती हूँ तो ये भी प्यार ही है ना, तो हर चीज नहीं है कि मतलब ये टीवी वाले। सबसे पहले तो यहाँ बच्चे को ये बताना जरूर बहुत जरूरी है कि जब तुम रजनीकांत की पिक्चर देखते हो ना तो एक घूसे में चार पंजिल उड़ा देता है, वो सच नहीं होता, तुम्हें पता होता है ना। तो रियल लाइफ में जो होता है उससे बहुत एग्जेजरेटेड रियल लाइफ में होता है। तो जो इसमें दिखाया जाता है वो ये दिखाया जाता है कि इनको तो सेल करना है, जिन इमोशंस को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिनसे ज्यादा आप जुड़ते हो, उन इमोशंस पे आपका ध्यान बार बार लेके जाया जाता है। अगर इसी बात को नॉर्मली भी तो किया जा सकता है, मैं पापा को प्यार करती हूँ क्या मैं ऐसे देखती हूँ, या तो मैं तुम्हें कभी किस करती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ, ये टीवी में दिखाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं सबको बिल्कुल वैसे ही नहीं लिया जा सकता। तो आजकल एक ना अनलर्निंग भी काम हो गया, पहले सिर्फ लर्निंग काम था, अब अनलर्न करना भी एक काम हो गया है बच्चों को कि जो आप देख रहे हो वो उससे अलग हटके दुनिया, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। Exactly, my question was actually कि how to distract my child from all these things so that she don't get attracted toward all these things. देखो एक चीज समझ लें हम कि हम अट्रैक्शन को नहीं रोक सकते, ये नेचर है, ये नेचर ने बनाया है, ये एकदम नेचुरल चीज है। हम उसको उसकी डायरेक्शन पे रोक सकते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं कि 18 साल होने के बाद तुम्हारी बॉडी इसमें होगी, इतनी मैच्योर होगी कि तुम, जैसे अगर सेक्स को देखें ना, उसके इमोशनल एस्पेक्ट भी है, उसके हेल्थ एस्पेक्ट भी है, उसके सोशल एस्पेक्ट भी है, उसके लीगल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो आप उसको ये मत बताइए कि हम सेक्स का मतलब सिर्फ कोई एक्ट नहीं बताते, हम उसके आसपास की पूरी दुनिया बताते हैं। तो हम उसको ये बताएं कि अभी आपकी बॉडी ट्रांजिशन में है, अभी धीरे धीरे आप देख रहे थे कल आपकी हाइट इतनी थी अभी बढ़ी, आपकी साइज जो था वो पहले से बढ़ा, हर चीज बढ़ी, तो इसका मतलब अभी आपके जैसे चश्मे का नंबर डॉक्टर कहता है ना, ऑपरेशन तब करेंगे जब स्टेबल हो जाएगा, तो आपको पता होता है ना कि हाँ स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो 18 साल के बाद आपकी बॉडी स्टेबल होगी इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि आप किसी प्रोसेस में इंडल्ज कर सको। तो अगर उससे पहले आप करते हो तो आप रॉन्ग टाइम पे कुछ गलत कर रहे हो, जैसे कि अगर मान लो सोशल इशू है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊंगी, कोई बात नहीं, मैं दुनिया को कुछ नहीं बोलने दूंगी, लेकिन जो हेल्थ इशू है वो ना चाहते भी सिर्फ तुम्हारी बॉडी को झेलना पड़ेगा, जो इमोशनल इशू है वो सिर्फ तुम्हें झेलना पड़ेगा। और शायद तुम अपना फ्यूचर नहीं देख सकती, लेकिन मैं अपना पास्ट देख के बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस टाइम पे ये चीजें की थी और जिन लोगों ने नहीं की थी उनकी लाइफ बाद में कैसी रही। तो हम कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल जो उसकी लाइफ से कनेक्ट करते हो कि तुम्हें याद है वो आंटी, वो हमेशा ऐसी बातें क्या करती थी, और हमारी मम्मी डांटती बहुत थी तो हम सारा टाइम पढ़ाई में रहते थे, हमने कभी सोचा नहीं। तो बाद में पता चला वो आंटी को कि उन्होंने उस वक्त जब पढ़ाई नहीं की तो आज वो हमसे बहुत मतलब अपने आप को नीचे फील करती है कि शायद मैंने उस वक्त पढ़ लिया होता, तो ये चीज आज नहीं समझ आएगी, पीछे जाके समझ आएगी और तब ठीक करने का टाइम नहीं होगा। तो बेहतर ये कि पूरा एक चीज स्टेबल हो जाने दें, अपनी बॉडी के मेंटल फिजिकल चेंजेस को स्टेबल हो जाने दें, उसके बाद इसमें एंटर करें तो ज्यादा अच्छा है। जी डॉक्टर सुरभि, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसका बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इसको, एंड आई होप कि एवरीबॉडी, सबके फेस दिख रहे हैं कि दे आर कन्विंस्ड अबाउट। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का होगा, पेरेंट्स का, कि खासतौर पर जब हम मूवीज देखते हैं सबके साथ इकट्ठे होके, तो आजकल ये होता है कि कुछ ऐसे सीन जब एक्सपेक्टेड होते हैं तो हम उसको या तो फॉरवर्ड करते हैं उस पार्ट को, और अब तो ये होने लगा है कि बच्चे ही आगे जल्दी से उसको आगे कर देते हैं। जैसे मेरी
डॉटर है वो उसको आके उसको फॉरवर्ड कर देती है उस सीन को, और हम भी कहीं ना कहीं उसमें ऐसा सोचते हैं कि अच्छा ये सीन हमें सबको इकट्ठे ना इनकाउंटर करना पड़े तो बेहतर है। तो ये समस्या मेरे ख्याल और लोगों के साथ भी होती होगी, आप थोड़ा इस बारे में बताएं कि हाउ टू एड्रेस दिस इशू। सर सबसे पहले तो ना जब भी हम मतलब ये बात बीच बीच में लोगों से बच्चों से करते रहें कि रियल लाइफ में आजकल क्या होता है, कि जैसे आप जैसे कल मेरी फ्रेंड है नमिता भी इस पे टॉक पे भी है, उसने मुझे बताया कि कल मेरी बेटी हाना मोंटाना देख रही थी, तो मैंने उसको बोला कि जैसे इसके और इसके फादर के रिलेशन है, क्या तुमने अपने घर में या तुमने अपनी फ्रेंड के घर में कभी ऐसे रिलेशन देखे हैं। फिर उसने कहा कि हमने बहुत सारी मूवी डिस्कस की कि क्या रियल लाइफ में जो हम देखते हैं तुम इनमें से किसी भी मूवी में रियल लाइफ में इसमें समझ पाते हो कि ऐसा कहीं देखा है। तो उसने बोला नहीं, तो उसने बोला कि जो इसका मतलब हम एक बात पे तो एग्री कर रहे हैं ना कि जो रियल लाइफ में दिखाया जा रहा है वो बहुत अलग है और रियल लाइफ इससे बहुत अलग है। तो अभी क्या है सेक्स को लेके कोई हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट या कोई ऐसी वीडियोस कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हम उसको जेन्युइन करके दिखा सके। अभी क्या है सब कुछ मार्केट है और वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ सब कुछ बिक रहा है, मतलब कि दवाई खा के जैसे अब पॉर्न के लिए कि लोग दिखाए जा रहे हैं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि किसी के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। और हम क्योंकि हम उसको देख के भी ये नहीं कर पाते कि फिल्टर लगवाने के लिए कोई उसमें आवाज उठा पाए, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला हमें जज करेगा, बड़ा इंटरेस्ट लेके देख रहा है तुझे, तूने बड़ा एक्सप्लोर कर रखा है, मतलब हम ही इन सारी चीजों से अपने आप को बचाए हुए हैं। जबकि और हम कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि हम सबको मिलके एक बार ये बात समझनी चाहिए कि इन चीजों पे कितने फिल्टर लगे। कम से कम ये वाली बात हम आपस में करें कि हम देखते सभी हैं कहीं ना कहीं, कहीं किसी ना किसी का एक आध बार एक्सपोजर जरूर हुआ है इन सारी चीजों से, हमें दिखता है क्योंकि हम लोग उस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं कि ये गलत दिखाया जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे देखने के मूवी देखने के वजह से बहुत सारे रिलेशन डेवलप नहीं होते, बहुत गलत डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सही है। तो हम अपने बच्चे से कभी कभी एक तो ये बात जरूर करते रहे कि जो भी मूवीज में दिखाया जाता है वो सारा सच नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि अगर आपके क्लासरूम में भी अगर टीचर पढ़ा रही है जैसे सपोज, तो आप सारी बातें नहीं बताते हो, आप सिर्फ फिल्टर करके अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हो कि आज क्लास में ये अच्छा हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि बताने लायक नहीं है। तो ऐसे भी अभी जैसे हमें लगता है कि जब सेक्स के बारे में बात होती है तो हमें लगता है कि अभी बताने लायक नहीं है, तो हम भी सारी चीजें एक साथ आपको नहीं बता सकते क्योंकि आपका ब्रेन उस हिसाब से मैच्योर भी होना चाहिए, आपकी बॉडी उस हिसाब से मैच्योर भी होनी चाहिए। तो ये डिस्कशन बीच बीच में हम अपने पेरेंट एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ करते रहे। अगर कोई ऐसा सीन आता है तो आप मतलब बिल्कुल उठ के मत जाइए, वहां बैठे रहिए, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चे के साथ अपने बॉडी पार्ट्स को लेके बात की हुई है, अगर आपने टीनेज में हो रहे चेंजेस को लेके बात की हुई है, वो बॉडीली चेंजेस है, इमोशनल चेंजेस है या इस तरह के चेंजेस हैं, तो आप आराम से बैठे रहिए, उसको उसमें बिल्कुल डरिए। तो उसे जब भी कभी कुछ डिस्कशन हो ना, क्योंकि जब तक आप सवाल का कन्फ्रंट नहीं करेंगे तो आपको पता है कि हाँ 18 साल के बाद तो आजकल सबको छूट है, कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि बॉडी ने भगवान ने नेचर ने हमें ऐसा बनाया है। ये हमारे अपने संस्कार हो सकते हैं कि हम कितना उसको दे पाए कि नहीं शादी से पहले नहीं करना है, शादी के बाद नहीं करना है, पर लीगली एंड बॉडी के हिसाब से हेल्थी के हिसाब से हम उसको ये बता सकते हैं कि या एक अच्छा मौका है कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का, कंसेप्शन कंट्रासेप्शन एसटीडीज ऐसी चीजों को लेके हम उसकी डायरेक्शन मोड़ दें, मतलब हम उस पर शर्माए ऑकवर्ड हो हम उसकी डायरेक्शन मोड़ दें कि हम उसको एजुकेशन की तरफ ले जाएं। ये भी एक तरीका हो सकता है चीजों को करने का कि अगर कोई ऐड आ रहा है तो, जैसे मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा ये कॉन्डोम क्या होता है, अब 13 साल की बेटी को ये बताना कि कॉन्डोम क्या होता है थोड़ा सा मुश्किल काम था मेरे लिए भी, लेकिन मैंने जब अपने बेटे को नाइटफॉल के बारे में बताया था तब मैंने अपनी बेटी को साथ बिठाया हुआ था, क्योंकि बेटी उस वक्त शायद 9-10 साल के बीच में थी और बेटा 14-15 साल के बीच में था, तो मैंने उसको बिठाया था कि अब जब से मैंने उसको बेटे को बोला कि जैसे प्रभी है ना थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको मेंस्ट्रुएशन होंगे और तुझे नाइटफॉल होगा, तो उसने ऐसे छेड़ते छेड़ते कहा ओए ध्यान रखना अच्छी बच्ची बदल लिया कर, हाँ कभी गीली में सोता रहे, तो उसने कहा चल चल तू अपना काम कर, मतलब पर मुझे लगा कि कम से कम उन दोनों को पता था कि हम किस पे बात करें, तो वो बहुत ऑकवर्ड नहीं होती सिचुएशन यूजुअली। और जैसे उसने मुझसे पूछा कि जब उसने मुझसे पूछा कॉन्डोम क्या होता है, तो मैंने उसको बोला कि मैंने एक बार बताया था ना भाई को नाइटफॉल होता है, लड़कों को नाइटफॉल होता है, तो कभी कभी आप सोचते हो कि वो कपड़े गीले ना हो तो आप उस पर जैसे कि आप समझते हो कि सामान को पॉलीथीन में लाते हो तो आप सोचते हो कि गिरे ना, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि आपके कपड़े गीले ना हो तो आप उस पर पॉलीथीन चढ़ा लो जिसको कॉन्डोम कहते हैं। तो उसने उसके बाद उसके उसको एक बार तो शांति मिली कि हाँ ठीक है, तो ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह हम एजुकेट करने का मौका भी ले सकते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं 18 साल के बाद तो सब होता ही है, बस ये ध्यान रखना कि जैसे इसमें दिखाते हैं इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी जो मूवी से हमारे दिमाग में जो बनता है ना उसमें ज्यादातर कंसेंट वर्ड हमारे मूवीज में नहीं दिखाया जाता, कंस की ये एक प्रोसेस है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं,
अगर मैं सेक्स को डिसाइड कर मतलब डिवाइड करूँ तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ. हम मैं अगर अपनी बच्चे से बात करूँ कि सेक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है, सेक्स होता है रिप्रोडक्शन के लिए और दूसरा होता है प्लेजर के लिए. धरती ने हमें सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स में आने को बोला था, है ना. लेकिन अगर ये एक बोझ बन जाता अगर इसमें प्लेजर अटैच नहीं होता. लेकिन अभी क्या हो गया है, लोगों ने सिर्फ इसको प्लेजर का वो दे दिया है रूप कि सिर्फ ये प्लेजर के लिए होता है. ऐसा नहीं है. हम इस बात को समझे कि जब भी हम इस प्रोसेस में है कि अगर प्लेजर है भी तो वो दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है. और दूसरा ये भी है कि प्लेजर में दोनों की कंसेंट होना बहुत जरूरी है, किसी एक के लिए कि मतलब मेरे को प्लेजर चाहिए तो दूसरे को नुकसान हो या फायदा हो, किसी और का पेन आपका प्लेजर नहीं होना चाहिए. एंड दूसरी बात कि एक एज के बाद ही ये जो अगर आपने इस एज से पहले किया तो ये दोनों के लिए पेन बन जाएगा, कि दोनों के लिए पेन बन जाएगा, मेल फीमेल दोनों के लिए पेन बन जाएगा. इसलिए एक एज के बाद, और ये ध्यान में रखते हुए कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म्ड होना चाहिए आपको, आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. कल रिप्रोडक्शन मैंने उसको बोला कि मान ले कल प्रेगनेंसी हो जाए तो तेरी मम्मी चल अच्छी डॉक्टर है, तेरा अबॉर्शन तो कर देंगी, फिर आगे क्या. उसके बाद जो जब तू तेरे सामने तुझे बार बार कोई कुछ बोलेगा तो तू क्या फेस कर पाएगी. चल ठीक है, उसमें भी तेरी मम्मी तेरे साथ खड़ी हो जाएंगी, पर तेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम होगी उसका क्या करेगी, जो इमोशनली तू हर्ट होगी उसका क्या करेगी. तो इसलिए हर चीज 18 साल के बाद जब तुम डिसीजन लेने की एज में हो कि तुम्हें पता है कि तुम जो भी कर रही हो उसके कंसीक्वेंसेस क्या हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो ये मतलब मुझे ये तरीका अपने आप में ठीक लगा जब मैंने उसको प्लेजर और ये दोनों के लिए बताया. और उसको ये भी बताया कि लड़कों में लिबिडो ज्यादा होती है, लड़कों को ज्यादा इच्छा करती है, इसलिए कई बार वो लड़कियों को थोपते हैं, लड़कियों के ऊपर अपने आप को थोपते हैं कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि उसकी इच्छा ज्यादा है. तो उसके लिए भगवान ने एक मैकेनिज्म दिया है, उनको एक दूसरा वे भी दिया है कि वो बाय मैस्टर्बेशन इस चीज को कर सकते हैं. उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी लड़की को परेशान ही किया जाए या किसी दूसरे पे जबरदस्ती अपने आप को आरोपित किया जाए. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आए कि आप जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो. तो उसको मैंने उसके साथ अगर उसको बताया नाइट, मैंने उसको मैस्टर्बेशन भी बताया, दोनों में हो सकता है, लड़के लड़की दोनों के लिए, और दोनों में ही नेचुरल है, नॉर्मल है. भगवान ने हमें एक वे दिया है कि अगर हमारे साथ कोई पार्टनर नहीं है और हमारी इच्छा है तो इसके लिए हम किसी पे अपने आप को थोपे नहीं कि नहीं हमें तो करना है क्योंकि मेरा मन है. आपके पास मैस्टर्बेशन का एक ऑप्शन है, अगर आपकी सेमिनल वेसिकल फिल हो गई है, आपको उसको करना ही है खत्म, मतलब उसको रिलीज करना ही है, तो आप मैस्टर्बेट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है किसी लड़की के ऊपर अपने आप को थोपने से. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बहुत नॉर्मली ऐसे पिक्चर से रिलेट करके कुछ कुछ कहीं कहीं जोड़ के उस नॉलेज को धीरे 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 दिया जा सकता है. कोई और सवाल है, किसी का कोई सवाल है, या हम इसको तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं. मतलब मुझे लगता है कि अगर कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि कोई और डायरेक्शन में हमें बात करनी है. मेरा हाय, माय नेम इज शहनाज. एक्चुअली सवाल नहीं है, जैसे कि सर ने ये कहा था कि टीवी हम लोग साथ में देखते हैं तो हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसपे मेरा एक ओपिनियन है कि हम शुरू से ही ऐसा भी होता है ना, जब छोटे बच्चे हमारे शादी का एल्बम देखते हैं और हमसे पूछते हैं कि मम्मी पापा हम तो आपकी शादी में थे ही नहीं, हम कहाँ पे थे, तो हम एक झूठ बोल देते हैं, बेटा तुम तो नानी के यहाँ गए थे, राइट. तो हम शुरू से ही एक रिलेशन ऐसा मेंटेन नहीं करते अपने बच्चों के साथ, फ्रेंडली कहना चाहिए, हम शुरू से ही एक एस्केपिज्म टेंडेंसी रखते हैं, राइट. तो मुझे लगता है अगर हम शुरू से ही हम उनके साथ एक ऑनेस्ट और एक ऐसा फ्रेंडली रिलेशन बना लें तो आगे जाकर हमें अपने ये जो चैनल है ये स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक्चुअली तुम्हारी बात एकदम सही है शहनाज, कि हमें ना अपने आप से हम डर बच्चे से नहीं रहे, बच्चे के सवाल से हम अपने आप से डर रहे होते हैं कि हम इसमें एंटर करें कि नहीं करें. बहुत सारी बात हम अपने आप से डर रहे होते हैं. तो ये इसके लिए सबसे पहली बात है कि ना ऑनेस्ट हो जाओ कि इसको मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता. अगर मैंने किसी और के भरोसे छोड़ दिया, मैंने गूगल के भरोसे छोड़ दिया, मैंने इंटरनेट के भरोसे छोड़ दिया, मैंने कुछ ऐसे दोस्तों के भरोसे छोड़ दिया जो कि मुझे लगता है कि हम क्या सोचते हैं, पीछे छुड़ाते हैं, चल कहीं से तो पता चल ही जाएगा, हम ही क्यों बताएं. तो अगर हम अपने बच्चे के, जैसे कि अभी बॉयज लॉकर रूम है, इसमें मेरा बेटा नहीं होगा इस बात की गारंटी हमें से कोई ले सकता है. हमें पता ही नहीं कि सेक्स को लेकर उसकी सोच क्या है, क्या वो सोचता क्या है, क्या वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता, क्या उस वो ऐसे किसी ग्रुप का पार्ट होता है कि नहीं होता, हमने कभी बैठ के डिस्कस नहीं किया. तो आज हम इस पे उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी हमें से कौन ले सकता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, या मेरी जो बेटी या बेटा है वो इसका हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इस मामले में हमारे बच्चों की सोच है क्या. तो ये बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, ऑकवर्ड होगा,
मैं एक और आइडिया आपको देती हूँ. जैसे मैंने अपनी बेटे के साथ जब हुआ ना, तो मेरे को जब अपनी बेटी को बताना था, तो बेटी का मुझे पता था कि वो थोड़ी सी चंचल ज्यादा है उसको साथ, तो बेटा कम से कम बैठा तो रहा, बेटी तो बैठेगी भी नहीं, इस बात की मुझे पूरी गारंटी थी. तो मैंने उसके लिए दूसरी चीज ट्राई की. मैंने उसकी जब बेटी को बताया, तो मैंने उसकी फ्रेंड को बुला लिया और हम मूवी देख रहे थे, हमने उसने कोई इंग्लिश मूवी लगाई तो दोनों बैठ गए. तो फिर मैंने उसे बोला कि उसकी फ्रेंड का नाम जो भी था, तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपको आपकी मम्मी ने कभी पीरियड्स के बारे में बताया था? उसने बोला हाँ मम्मी, मैं आंटी बस इतना बताया था. तो फिर हमने थोड़ी थोड़ी पीरियड से बात शुरू की कि अच्छा अभी आद्या को तो हुए नहीं है, शायद होने वाले हैं, तो जब भी इसको जरूरत होगी तो मैं चाहूंगी कि तुम इसकी भी हेल्प करना किसी भी तरह से. तो मैंने पूछा कि उसके बाद अगर सेक्स इसके बारे में बाद में तुम्हें पता चला कि पीरियड्स क्यों होते हैं और इसके आगे कोई सेक्स एजुकेशन दी तुम्हारी मम्मी ने? वो 10th क्लास में है और मेरी बेटी 8th क्लास में है. तो उसको क्योंकि पीरियड्स के बारे में जो हमारा बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ, तो उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. और मेरी बेटी, अच्छा मम्मी जाओ ना, अब हमें पिक्चर देखने दो, अच्छा आप जाओ ना, उसको लगा कि मम्मी अब शुरू हो गई है कुछ ना कुछ ऐसा ऑकवर्ड. लेकिन उस दूसरी जो उसकी फ्रेंड थी, उसका इंटरेस्ट था, उसने मुझसे 2-3 सवाल पूछे कि आंटी. फिर मैंने देखा कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि ऑब्लिगेटरी उसको था कि भाई मेरी फ्रेंड अटेंशन दे रही है, अब मेरी मम्मी को मैं ही नहीं दूंगी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा. धीरे धीरे मैंने देखा कि उसकी अटेंशन आ गई. उसने मुझसे पूछा लेस्बियन क्या होते हैं, ये क्यों, मतलब कि आप तो कह रही थी कि मतलब मेल और फीमेल का होता है. तो फिर मैंने उसको समझाया कि हेट्रोसेक्सुअल एक चीज होती है, होमोसेक्सुअलिटी एक चीज होती है. हेट्रोसेक्सुअलिटी में दोनों काम होते हैं, प्लेजर और रिप्रोडक्शन, और होमोसेक्सुअलिटी में सिर्फ प्लेजर के लिए आप कर रहे होते हो. उसको अच्छा होमोसेक्सुअल के बच्चे नहीं हो सकते? मैं उसको बोला कि नहीं, उसमें नहीं हो सकते, लेकिन आप डोनर स्पर्म लेके डोनर ओवा लेके हो सकते हैं. तो धीरे धीरे उसका एक कन्वर्सेशन बिल्ट हुआ हमारे बीच में. और अभी वो अपनी फ्रेंड्स को फोन करके बताती है, तेरी मम्मी ने नहीं बताया ना, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे. तो अभी थोड़ी देर उसको लग रहा है, और अब उसकी उसकी फ्रेंड्स के सवालों के जवाब वो मुझसे लेती है. तो मुझे लगता है कि एक ना एक रिलेशन बिल्ड होना बहुत अच्छा होता है, कि उसको लग गया कि मम्मी जवाब दे सकते हैं बिना मुझे जज किए हुए. क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, अगर जैसे बेटे को साथ बिठाया तो बच्चों को ये लगता है कि मम्मी मुझे जज कर रही होंगी, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मुझे ले आएंगे, अच्छा बेटा बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है. तो उसने पूरे टाइम वो डिसइंटरेस्ट शो किया कि नहीं मैं मुझे नहीं है इंटरेस्ट. लेकिन अगर उसकी फ्रेंड के साथ उसको बिठा के मैंने किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि जो है ज्यादा अच्छा रहा. तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि 2-3 बच्चों को साथ में बिठा के बात कर ले. उससे क्या होता है कि जब डिस्कशन के लिए उसके पास एक मेंबर भी होता है जिससे वो बात कर सके, और जब उन दोनों को कोई क्लू नहीं मिले तो वो आपसे पूछ सकते हैं. तो मुझे ये बेटर लगा कि हम एक एक आध फ्रेंड के साथ बैठे जब इस तरह के डिस्कशन कर रहे हो, ताकि एक ऑब्लिगेटरी कंसेंट्रेशन देना ही शायद हो जाए, लेकिन ऑब्लिगेशन भी वो आपको सुन ले, लेकिन सुन लेते हैं फिर बच्चे. नमिता जी आप कुछ पूछो. हाँ अनम्यूट 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 कर लो अपने आप को. सॉरी, यू सेड इन द बिगिनिंग कि हमको बच्चों को, आई हैव टू पॉइंट्स. फर्स्ट इज यू सेड इन द बिगिनिंग हमको बच्चों को निकनेम्स नहीं देने चाहिए फॉर बॉडी पार्ट्स. व्हाई इज दैट? एक क्वेश्चन तो ये था. दूसरा क्वेश्चन है, सिंस आई एम अपार्ट विद सची सहेली, मैं अपनी बेटी से जब मेंसुरेशन के बारे में बात करती थी ना, तो शी यूज टू एक्सेप्ट इट वेरी इजीली एंड क्वाइटली, बट व्हेन इट केम टू गोइंग टू हर स्कूल एंड उसके स्कूल जाके एक सेशन देने की बात आई ना, तो आना की नजर में ना एक टू मच वाली वो थी कि टू मच नहीं है, सारी दुनिया के सामने बोलते रहोगे. सो इनिशियली शी वॉज हेजिटेंट, देने के बाद शी वॉज ओके. बट आज मेरा और मेरी बेटी का ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि उसको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा बोलने वाले पेरेंट्स में से, मम्मी हर चीज को कुछ एक्स्ट्रा ओपन करके बोल देती है. हमको वो लाइन कहाँ मिलेगी कि कुछ कम बोलने वाले पेरेंट्स और कुछ बहुत ज्यादा बोलने वाले पेरेंट्स के बीच की लाइन? तो दो पॉइंट्स, निकनेम क्यों नहीं देना चाहिए और हमारी लाइन कहाँ है? देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमको ये मैसेज दे रहे होते हैं कि ये जो हम जिनके नाम हम नहीं ले रहे ये गंदे हैं. तो कहीं ना कहीं मतलब एक हिडन मैसेज जा रहा होता है कि कुछ गंदा हो रहा है. तो अगर हम निकनेम नहीं, जैसे हम बाकी चीजों के हम नोज का निकनेम तो नहीं दे रहे ना, हम आईज का निकनेम तो नहीं दे रहे, तो अगर हम ब्रेस्ट का निकनेम दे रहे हैं, पेनिस का निकनेम दे रहे हैं, हम स्क्रॉटम के लिए निकनेम दे रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग अभी शायद ये भी नहीं जानते कि जैसे मैं क्लिनिक पे बैठती हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वजाइना, जबकि वो वल्वा होता है, वो वाला पार्ट वजाइना तो एक मतलब उसका वहाँ यूट्रस तक पहुँचने का रास्ता है, जो ओपनिंग होती है उसको वल्वा बोलते हैं. लेकिन बहुत सारे लोगों को खुद ही नाम नहीं पता, क्योंकि उनकी मम्मी ने भी शायद कोई निकनेम ही दिया होगा बिना मतलब पढ़ के जानना, क्योंकि वजाइना थोड़ा सा कॉमनली यूज होता है तो वो उनको लगता है यही पार्ट वजा. मतलब ये मुझे लगता है कि एज ए हम एजुकेटेड अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं, तो सबसे पहले इस शेम से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा. हमने ना एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज की थी, एक टीचर्स के साथ हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, और शुरू में उन लोगों को लगा कि हमने कहा कि हम ना बॉडी पार्ट्स पे बात करेंगे,
तो शुरू में बहुत सब एकदम से ना ऐसे थे कि यार, क्योंकि उसमें करीब 39 फीमेल थी और 17 मेल थे, तो एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला माहौल था. और मेरे पास अभी वो पेपर उसमें दिखाई, तो दो न्यूड बॉडी थी, हमने उनको वो पेपर सबको बांटे. तो टीचर्स की तरफ से ये एक इस तरह का एक पेपर था, ऐसे एक बच्चों वाला था और एक बड़ों वाला था. तो हमने दिए, तो पहले टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि मैम इस तरह की फोटोज आप मत बांटिए, ये ठीक नहीं लग रहा है, हमारे टीचर्स अनकंफर्टेबल है. मैंने कहा जिस मोमेंट पे आपको लगेगा उस वक्त आप मुझे रोक दीजिएगा. हमने शुरू किया, हमने कहा कि सब इसमें बॉडी पार्ट्स मार्क करो. तो सबने आईज, नोज, ये सब मार्क करा, क्योंकि वो टीचर थे तो उनको सारे बॉडी पार्ट्स बता दे. तो हमने कहा कि अब हम आपके बीच में एक लाइन खींचते हैं और एक टीम ए और एक टीम बी बना दी. अब हमने कहा कि एक अंताक्षरी है कि आप, ए टीम एक बॉडी पार्ट का नाम बोलेगी, बी उसको अपने में से काट देगी, फिर बी बोलेगी, ए काटेगी. अगर कोई रिपीट करेगा बॉडी पार्ट का नाम तो उसके -20 हो जाएंगे और जो सही बोलेगा उसके 10 होंगे. तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये काम करना, जब क्योंकि ये जब बॉडी पार्ट्स के नाम, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम आएंगे तो कोई बोलेगा नहीं, तो हम उसके मार्क्स +20 कर देंगे, तब शायद लोग बोलने लगेंगे. कन्वर्सेशन शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 5th बॉडी पार्ट पेनिस पे आया, स्क्रॉटम पे आया, निप्पल, एरियोला, मतलब सब कुछ, वल्वा, वजाइना, सब कुछ, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. एंड थोड़ी देर बाद वो खुद से खड़े होकर अपने लिए ताली बजा रहे थे कि मैम आपने तो, हमने सोचा ही नहीं था कि हम ये बोल पा रहे होंगे, क्योंकि आपके ना ट्रैक चेंज कर दिया. अब आपको जीतने के लिए बोलना था, अब आपको बोलने के लिए नहीं बोलना था, आपको जीतने के लिए बोलना था. तो हमारी सोच ज्यादा खराब करती है इन चीजों को, कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, है ना. अगर हम जैसे, अगर मैंने बताया ना, अगर पेन के लिए मेरी सोच पेनिस बन गई है तो मुझे पेन उठाने में ना अजीब सी फील आएगी कि ये क्या है. लेकिन अगर मुझे पता है ये सिर्फ एक पेन है तो मुझे लिए सिर्फ एक पेन है. तो हर इसी तरह से ना बॉडी पार्ट्स को लेके हमें अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा. पार्ट तो वही है, वही नॉर्मल है, सब कुछ वैसा ही है, तो प्रॉब्लम वहां है ही नहीं, ठीक है. तो इसमें हमें अपने आप को ठीक करना है कि इनके निकनेम की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल मत बिठाओ दिमाग में कि जो छुपा हुआ है वो गंदा ही होता है. नहीं, हमने कपड़े पहने इसलिए ताकि हम अपने आप को एनवायरमेंट से बचा सके, इसलिए नहीं पहने कि इसमें सब कुछ छुपाने के लिए है. बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. मतलब मेरा ये बिल्कुल मानना है, अगर आपकी बेटी, जैसे एक पार्ट मुझसे सुबह ही उन्होंने पूछा था कि बॉयज लॉकर रूम के दो पार्ट है, कि आप एक्यूज्ड हो या विक्टिम हो, है ना. ये इसने मुझसे पूछा था सुबह कि आप एक्यूज्ड हो तो आप अपने बेटे से कैसे बात करोगे. अगर आपकी बेटी उनमें से कोई विक्टिम है तो आप कैसे बात करोगे, कैसे समझाओगे अपने बच्चों को. ये किसी और का भी सवाल है तो इस पे बात करें. क्या ये सवाल कोई और भी जानना चाहता है तो हम इस पे बात करें, वरना हम इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. क्या है? My daughter is of 13, showing aggressive behavior. Please suggest what to do. तो पहले ये वाले सवाल का हम जवाब देते हैं. देखिए, अगर मैं अपनी बेटी को इस तरह से बड़ा करूं कि बेटा ये आपके बॉडी पार्ट्स है, इसको कोई कैसे देखता है, इसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं है और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, कोई क्या सोचेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो बॉडी पार्ट्स है, इसको कोई कैसे भी देख सकता है. कल आपके ईयर को कोई सेक्सी बोलेगा तो क्या आप अपने ईयर को छुपाने लगोगे, है ना. ये आपके बॉडी पार्ट्स है, इसको जैसे सब रहते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे रहो, दूसरे की सोच पे आपका कोई भी जोर नहीं है. और दूसरी बात कि जब गलियों में ज्यादा खेलते थे और गलियों में ज्यादा घूमते थे तो गली वाले ही बोलते थे ना, गली मोहल्ले वाले, और कितने दिन बाद हम कान देना बंद करते थे. अब हम ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं तो ऑनलाइन वाले ही बोलेंगे, अलग अलग कमेंट करेंगे, टैग करेंगे, आपके बारे में कुछ कुछ लिखेंगे. तो ठीक है, यहाँ पर भी यही सोच लो कि इनको भी कान देना धीरे धीरे बंद कर दें. मतलब हमारी प्रेजेंस जहाँ है वहीं पे हमें सुनने को मिलेगा. तो पहली बात तो ये थी. दूसरा तुम्हारा सवाल था कि कम बोलने वाले पेरेंट्स की, इसका एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी बेटी को भी शुरू में लगता था कि मेरी मम्मी ना सबके सामने ज्यादा बोलती हैं, और कई बार तो मुझे कहते थे आप ही को जरूरी सब ठीक करना है, आप ही के करने से ही होगा क्या, और किसी की मम्मी तो नहीं बोल रही है. फिर एक दिन अभी बीच में क्या हुआ, जब कुछ इनके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था और इनके स्कूल में उनकी मैगजीन छपी और उसमें मेरा फोटो भी था, तो वो सबको फोटो दिखा रही थी कि देखो ये मेरी मम्मी है, देखो ये मेरी मम्मी है. एंड उस दिन मतलब उसके जो फेस था ना, तो मैंने पूछा कि हाँ तेरी मैडम ने तो फोटो भी छाप दिया, अब तो तेरे को बड़ी शर्म आ रही होगी. कहती नहीं, अच्छा है, किसी और की मम्मी का तो फोटो नहीं आया ना, मेरी मम्मी का ही आया. मतलब ये बड़ा या छोटा करना या इसको कैसे करना, मतलब कैसे वो हमें लेना, ये भी धीरे धीरे हमें ही सिखाना पड़ेगा कि गलत मतलब तुम नहीं हो. क्योंकि कोई भी अगर एक चीज के लिए आवाज उठाता है तो शुरू में सब उसी को देखते हैं, पहले लोग उसमें उसको देखते हैं, फिर उसमें कमियां निकालते हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहे, इसलिए धीरे धीरे उससे एक्सेप्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके साथ खड़े हो जाते हैं. तो ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है. एक सवाल है कि माई डॉटर हु इज 13 इज शोइंग एग्रेसिव बिहेवियर, प्लीज सजेस्ट व्हाट टू डू.
एग्रेशन बहुत ही कॉमन है, मतलब जैसे बच्चा एडोलेसेंस में होता है उसका एग्रेसिव बिहेवियर होना, बहुत लेजी होना, उसको लगता है कि मतलब मैं इतने साल सिर्फ इनकी सुन के चलता रहा, मैंने तो बहुत ज़्यादा गलती करी है और अब मुझे तो अपने हिसाब से चलना है। मतलब उसको धीरे धीरे वो बड़े होने का एहसास उसके दिमाग में आ रहा होता है तो उसको लगता है कि मुझे तो अब अपने हिसाब से चलना है, मुझे ये बहुत ज़्यादा इन्होंने, तो ये एग्रेसिव बिहेवियर होगा। दूसरा क्या है कि वो अपने आप से भी लड़ रहा है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, कुछ दिमाग कुछ और कहता है, बॉडी कुछ और कहती है, तो वो अपने आप से भी एक लड़ाई उसकी चल रही होती है। तो ऐसे में एग्रेसिव बिहेवियर होना नॉर्मल है, आपको अपना बिहेवियर एग्रेसिव नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे का होना नेचुरल है क्योंकि उसके साथ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। जब हमारा बच्चा जैसे कि टीनेज होता है, तो जैसे मैं कई बार अपनी बेटी से बोलती हूँ कि अगर तू आज 12 साल की है ना, तो एज ए मदर मैं भी 12 साल की हूँ, क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुई थी उसी दिन ये मम्मी पैदा हुई थी। तो अगर कई बार अगर तू गलतियां करती है तो एज ए मदर मैं भी गलतियां कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी तेरे बराबर ही है एज ए मदर, बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा है। तो कई बार अपनी बातें थोपने के बजाय हम उससे ये समझा सकते हैं कि बेटा गलती मुझसे भी हो सकती है ना, तो इसलिए इस पे ऐसा नहीं कि तुम, हम अगर तुमसे गलती होगी तो मैं भी चिल्लाऊंगी नहीं, अगर मुझसे होगी तो तुम भी नहीं चिल्लाएंगे, हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे किसकी गलती थी। तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बच्चा आप में थोड़ा सा फ्रेंड देखेगा, लेकिन फिर भी ये रहेगा, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए कि बच्चे के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी इस उम्र पे। एक और चीज जो बोल सकते हैं इस सेंस में कि अगर अग्रेशन को सबसे ज्यादा डायरेक्ट कर सकते हैं इस सेंस में, ये अर्जेस होती हैं जो बहुत नेचुरल होती है, जो हार्मोन्स की वजह से होती है, और उसको डायरेक्ट किसी एक्टिविटी में अगर कर सकते हैं अग्रेशन में, किसी स्पेशली किसी फिजिकल एक्टिविटी में, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अग्रेशन को डायरेक्ट करने का। बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, अगर इस एनर्जी को हम चैनलाइज कर दें, उसे किसी गेम्स में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी म्यूजिक में, डांस में, उस एक्टिविटी को चैनलाइज कर दें, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि उस वक्त बच्चे की बिहेवियर को कंट्रोल करने का। बहुत अच्छा, थैंक यू। एंड गर्ल फील एम्बेरस्ड टू गो टू गायनी स्पेशली एट द एज ऑफ 12 टू 16 ईयर्स, व्हाट टू डू इन केस ऑफ द देयर कॉन्फिडेंस टू इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस। ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ बच्चे, तो बच्चे के पेरेंट्स बहुत एम्बेरस फील करते हैं कि वो अपनी लड़की को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जा रहे थे। मतलब वो पर्चा अपने नाम से बनवाते हैं, कितनी बार पेरेंट्स अपने नाम से पर्चा बनवाते हैं कि बेटी के नाम से मत बनाइए, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे कि गायनी के पास क्यों गए थे। ये एक बहुत बड़ा सही में हमारे यहाँ एक टैबू है इस पे भी कि होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो गए, तो आप अपने बच्चे को बताओ कि अब जैसे आपने कोई नई चीज आनी शुरू होती है, तो कई बार जैसे आप कंप्यूटर ही सीखना शुरू करते हो तो कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ ठीक भी होता है, लेकिन धीरे धीरे एक गाड़ी सीखते हो, शुरू में बार बार झटके भी लगते हैं, तो अब आपकी बॉडी एक ट्रांजिशन में है जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो कभी कोई चेंज बहुत फास्ट होगा, कभी बहुत स्लो होगा, कभी आपको बहुत रैंडम भी रहेगा कि मतलब उसमें ऊपर नीचे भी होगा। तो ऐसे में बच्चे के साथ या पेरेंट्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है कि उसको समझ ही नहीं आए कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। तो डॉक्टर के पास जाने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने कुछ, आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही जा सकते हो, गायनी के पास जाने का मतलब मेरी बॉडी में हो रहे चेंजेस को मैं सही तरह से समझ सकूं, उसके लिए भी जाना है। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को ये बात समझा सकते हैं। कोई, हाँ प्लीज, जो भी है, रितेश जी शायद है, रितेश जी आप बोल सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, उन्होंने हैंड रेज किया है। I don't think so है यहाँ पे। और सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि हाँ, अगर आपको तो कहीं भी ऐसा लगता है कि कोई और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर सर भी एक सवाल मेरा और था कि मोबाइल फोन्स के बारे में, जो इंटरनेट की एक्सेस हम अपने बच्चों को देते हैं। जी जी, एक मतलब एक तरीका मैं फॉलो करता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ। मैंने उसको बताया कि जब तुम कॉलेज जाओगी तब तुम्हें वो मोबाइल इंडिपेंडेंटली तुम्हें हम देंगे, अभी वो आप हमारा मोबाइल कभी कभी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते, जैसे स्कूल का कोई वर्क है या कुछ है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट समटाइम्स जब आप उनको वो देते हैं, वो एक कोने में लेके उसको बैठ जाते हैं उधर फेस करके कि आप ना देख सकें कि वो क्या देख रहे हैं उसके अंदर। अब बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्वेटिव हो भी नहीं सकते कि आप उनके पीछे पड़ जाएं, बार बार देखें कि वो क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, तो वो ये बड़ी एक समस्या सी रहती है। और पूरी तरह से डिप्राइव करना आज के टाइम में नेट को पॉसिबल है, क्योंकि डिपेंडेंस हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है उसके ऊपर। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब तो वो भी एक चीज निकल गई हमारे हाथ से कि अब उनके पास ऑप्शन है कि सारा सब कुछ कंटेंट उसी पे पड़ा है, तो पूरे टाइम अब उनके पास है। सो इसके
मैंने इसके बारे में मतलब मैं खुद इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि इंटरनेट के बारे में, लेकिन मैंने भी जितना पढ़ा और सुना है तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आफ्टर 13 ईयर्स बच्चों को मोबाइल दिया जा सकता है. बिफोर 13 ईयर्स जैसे आपने कहा कि उसको कभी कभी आपको जब ज़रूरत है आप ले लें. इंटरनेट में वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे जैसे कि ऐप आते हैं, जैसे कि एक आता है साइबर नैनी करके आता है, जिसमें आप अपने बच्चे के मोबाइल पर जो भी चल रहा है वो आप उसको एज ए अपने मोबाइल पर उसके नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है. इंटरनेट में भी ऐसे बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप कुछ चीज़ों को ट्रैफिक को कम कर सकते हैं. फिर तीसरा उसने ये बोला था कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपका बच्चा 14 प्लस का है ना, तो उस पर बहुत ऐसे ऑब्जर्व करना और बहुत ज़्यादा उस पर उसकी तांगझांक करने से बेहतर है कि आप उसको ये एहसास दिलाओ बार बार कि बेटे हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं, तुम जो करोगे ठीक करोगे, हमें तुम पे बहुत भरोसा है और इसीलिए हम तुम्हें देते हैं. मतलब ये वर्ड उसके लिए ज़्यादा मतलब दो हमारे पास चीज़ें हैं कि करेगा तो वो अपने मन का जो भी उसको करना है वो करेगा, लेकिन एक तरीका है कि हम उसके पीछे पीछे लगे, उसको हम मतलब उसकी कहना चाहिए स्पाइंग करें, और दूसरा है कि हम उस पर ये बोलें कि बच्चे हमें तुझ पे बहुत भरोसा है. आजकल दुनिया बहुत ऐसी चीज़ें देख रही है जो कि बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको थोड़ा थोड़ा सा बता के रखिए कि इंटरनेट पर दिखने वाली, क्योंकि आप सामने नहीं खड़े हो तो आप जो भी दिखाओगे मतलब वो आपने एडिट किया हुआ है. जैसे कि आजकल चैट भी एडिट होने लगी है, आप तो मतलब चैट को कट पेस्ट करके आप पूरा एक दिखा सकते हो कि किसी चैट को, आप हर चीज़ का स्क्रीन शॉट होता है. और एक जो बात मुझे कल बहुत अच्छी लगी समझ में आई, किसी ने, मैंने सुन रही थी किसी को, तो उन्होंने बताया था कि आप अपने बच्चे को ये बताओ कि बेटा पहले स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला करता था नौकरी से पहले, अब धीरे धीरे एक जमाना आने वाला है कि अच्छी नौकरी के लिए आपके इंटरनेट फुटप्रिंट्स देखे जाएंगे, और ये होगा आने वाले फ्यूचर में कि आपके इंटरनेट फुटप्रिंट ये कभी भी मरते नहीं है, कहीं ना कहीं आपके सेव हो रहे होते हैं और इनको सर्वर से कभी भी निकलवाया जा सकता है. कहीं कोई अच्छी नौकरी, कहीं कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से, तुम्हारा पासपोर्ट या कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि कल तुम्हारे हाथ से निकल जाए, तो कोई भी ऐसे फुटप्रिंट मत बनाना जो आपको आगे जाके आपको कहीं गलत डायरेक्शन में ले जाए. तो ये बहुत सही मुझे उनकी बात लगी थी कि आप अपने, देखो किसी भी बच्चे को समझाने का या किसी भी इंसान को समझाने के तीन तरीके होते हैं, या तो डर से समझा सकते हो, या लालच से और उसको रिवॉर्ड दे के समझा सकते हो, या उसमें इतना विश्वास दिखा के कि हमें तुझ पे विश्वास है, उसमें आस्था दिखा के कि हम, हमारी आस्था ये नहीं हिलेगी. ये तीन ही तरीके से हम बच्चों को या किसी को भी हैंडल कर सकते हैं. तो अभी हम किसी भी एक चीज़ पे टिके हुए नहीं, क्योंकि आस्था हमारी खुद की हिली हुई है, क्योंकि लॉजिक्स के टाइम में किसी पे पूरा विश्वास करना बहुत मुश्किल है. तो हमें ये तीनों एंगल जो है, अपना थोड़ा सा डर भी दिखाना पड़ेगा, थोड़े से रिवॉर्ड्स भी दिखाने पड़ेंगे कि बाकी बच्चे कितने खराब है लेकिन मेरा बच्चा इतना अच्छा है कि देखो ये फिर भी नहीं करता है, इसको इस तरह के गलत ट्रैफिक कोई औरों को भी रोकता है, तो ऐसे कुछ रिवॉर्ड्स उसको देने पड़ेंगे, ताकि, क्योंकि ऐसे में ना बच्चों को अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है. तो कभी भी किसी और के सामने की तो सारा दिन मोबाइल ये पड़ा रहता है, पता नहीं क्या क्या देखता है, ये कहने के बजाय उसके सामने 10 बार ये बोलो कि हमें अपने बच्चे, हमारे बच्चे के हाथ में मोबाइल है पर इतना भरोसा है हमें कि अलग कमरे में भी बैठा है तो भी हमें पता होता है कि ये कुछ गलत नहीं देख रहा होगा. इससे क्या है, उसका एक तो कॉन्फिडेंस आपके प्रति, आपका रिलेशन बेहतर होता है, क्योंकि करना तो उसको मन का ही है, देखो है ना, तो हमारे रिलेशन बेटर हो तो शायद उसको कभी कोई दिक्कत है. और तीसरा जो डर है, हम उसको ये बता सकते हैं, एक तो कि बेटा कल आपके इंटरनेट फुटप्रिंट्स जो है ये आपको कहीं नीचे ना ले जाएं, तो इस चीज का ध्यान अपने आप को रखना है. ना तो कभी ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना, अगर कहीं देखो तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको रात में सो रहे होते हो, आपको सुबह किसी ऐसे ग्रुप में आप ऐड होते हो, पता लगा उसमें कोई चैट शुरू हो गई, तो इसके कुछ प्राइवेसी में वो होते हैं बटन कि आपको कोई अपने आपकी मर्जी के किसी ग्रुप में ना ऐड कर सके. तो उसको इस तरह से बताओ कि बेटा तुम्हें कोई फंसा ना ले, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं कि अपनी ना सारी प्राइवेसी के जितने भी हैं 2-point ऑथेंटिकेशन ये सारी चीजें रखो, क्योंकि कल आप तो खराब नहीं हो लेकिन कहीं आपको कोई गलत तरह से ट्रैप कर दे तो आपकी ऑनलाइन फुटप्रिंट जो है वो खराब हो जाएंगे, डिजिटल फुटप्रिंट खराब हो जाएंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं. तो समझाने के तरीके से आप उसको वो भरोसा भी दे सकते हो और मोबाइल भी दे सकते हो. एक चीज मैं बोलना चाहूंगी सुरभि मैम. हेलो. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. एक बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे हम फोन पे कुछ देख रहे होते हैं और बच्चे कहते हैं कि आप भी तो फोन पे लगे रहते हो, तो हमें ओपन कन्वर्सेशन करना चाहिए बच्चे के साथ कि मैं इस टाइम पे क्या देख रही हूँ. फिर इस तरीके से हम बच्चों से ले सकते हैं कि आप ऑनलाइन जब रहते हो तो क्या नई चीज देखी है आपने. तो ये जब डिस्कस, जैसे मैं अगर अपने बेटे को बताऊं कि आज मैंने ये देखा फोन में, जब मैं उस टाइम पे बैठ के फोन में लगी हुई थी तो मैंने ये चीज नया देखा, फिर वो मुझे बताएगा कि हाँ मैंने भी आज ये देखा था. इस तरह से क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता जाता है. जब तक घर में हम ओपन कन्वर्सेशन नहीं करेंगे इस बारे में, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या देख रही हूँ तो मेरा बेटा मुझे क्यों बताएगा कि मैं क्या कर रहा था फोन पे. तो ये चीज भी, ये ट्रस्ट बिल्डअप भी बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल सही कहा आपने. और जैसे ना कभी भी बच्चा आपसे पूछे आप क्या देख रहे हो, तो उसको ये मत बताओ कि तुम
छो मतलब उसको सबॉर्डिनेट की तरह डील नहीं करो कि तुम्हें कोई हक नहीं है जानने का, मैं तुमसे सीनियर हूँ. उसको ये बोलो कि हाँ यार के देख ले, अभी मैंने भी आज किसी को देखते देखा, फिर खुद ही बोल दो अगर आपको लगता है कि वो कंटेंट सही नहीं है बच्चे के लिए, कितनी बकवास सी चीज थी पता नहीं क्या दिखा दे हटा, है ना, कि आजा चल बात करते. मतलब जैसे उसके सामने आप दिखा दो कि आप देख रहे थे पर आपको पसंद नहीं आया, बहुत ही बकवास चीज थी. उसको ये मत हो कि तुझे नहीं देखना, मैं देख सकता हूँ तुम नहीं देख सकते हो. एग्जैक्टली वही मैं बताना चाह रही थी कि बच्चे फिर अगर हम छुपाना शुरू करेंगे तो फिर वो बच्चे छुपाना शुरू कर देते हैं. जब मैं खुल के बताऊंगी कि मैंने क्या देखा है तो फिर भी शायद वो हमें बताएं, बट फिर भी कुछ चांसेस होते हैं कि बच्चे बोलने लगते हैं कि हाँ आज मैंने ये सर्च किया था. फिर उन्हें सुरक्षित ब्राउजिंग की जानकारी दें, जैसे आपने फुटप्रिंट वाली बात की थी. जब तक हम इन चीजों को लेके बोलेंगे नहीं, कुछ एक्ट्स बने हुए हैं जो हमें पता भी नहीं है, साइबर एक्ट्स हैं कुछ, इसके बारे में डिस्कस जब तक नहीं करेंगे उनको लाभ हानि का पता नहीं चलेगा. अभी जो ये बॉयज लॉकर वाला केस हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसमें अनअवेयर होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं. तो ये चीजें हमें घर में ही शुरू करनी पड़ेगी बच्चों के साथ. कि मैंने ना इसको कहीं लिखा भी था, जब मैं अपनी बेटी को कर रही थी तो मैंने थोड़ी तैयारी भी की थी, तो मैंने उसको ये बताया था कि जैसे मैं बताती हूँ, मैंने उसके पॉइंट्स लिखे थे पूरे कि सेक्स क्या होता है, तो ऐसे एज वाइज की आपकी बायोलॉजिकल सेक्स क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ सेक्स कैसे करते हैं. तो मैंने उसको बताया कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं कुछ एक्सटर्नल होते हैं. जो एक्सटर्नल होते हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे लड़कों में पीनिस स्क्रॉटम होता है, लड़कियों में वल्वा होता है, ये एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो बचपन पे दिखाई देते हैं, जिससे हम पहचानते हैं कि वो लड़का है या लड़की है. फिर मैंने डिफरेंस बिटवीन जेंडर और सेक्स बताया था उसको, एंड रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि मैंने उसको प्लेजर और रिप्रोडक्शन के बारे में और माइंड और बॉडी अलग अलग कैसे डेवलप होती है. तो ये सारी चीजें उसको काफी हद तक मैंने कोशिश की थी बताने की, और इसमें काफी कुछ ना फ्रेंडली था. मतलब जैसे कि अगर मैं सोचूं तो बहुत सारी चीजें थी ना बहुत फ्रेंडली थी, अपने खुद के एग्जांपल्स लेके कि मुझे ये नहीं पता था, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई, पता मेरा इतना मजाक बना, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे, तो अब कोई बताने वाला नहीं था. तो ऐसे बड़ी सारी चीजें, अच्छा नेट पे ढूंढो तो इतनी बकवास होती है, सारा झूठ ही झूठ होता है. तो फिर मेरे को समझ में आया, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चल गई. तो ऐसे ना कई बार आपके अपने एग्जांपल्स ना बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, आपने कैसे डील किया, तो उससे ना उनको लगता है कि मतलब सबके साथ होता है, मैं कुछ अजीब नहीं हूँ. और दूसरा इसके सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब इसके सॉल्यूशन होते हैं, तो ये भी एक बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपका बच्चे के साथ कन्वर्सेशन में. जी, स्पेशली जब बच्चे टीनेज में है या फिर एडोलेसेंट के साथ मैं डील करती हूँ एज अ काउंसलर, तो उस टाइम पे ये देखा जाता है उनके लीगल एस्पेक्ट भी बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार मजे मजे में बच्चे गलतियां कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि एक्चुअली उनके साथ उसके बाद क्या होने वाला है. पीयर के प्रेशर में और इन चीजों में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, और ऐसे मतलब आपकी बात जो उसके अगर हम देखें ना साइकोलॉजिकल बॉडीली उसके एस्पेक्ट आपकी मतलब उससे आगे रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, उसकी हेल्थ एस्पेक्ट, उसकी लीगल एस्पेक्ट. तो आपको किसी भी प्रोसेस में एंटर करने से पहले आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको इसके बारे में पता है, कोई भी आपको बहका दे और कोई भी आपको कहे कि ये अच्छा होता है और आप करने चले जाओ, तो ये चार पॉइंट अपने दिमाग में चला लेना कि क्या इसके मुझे इसके बारे में पता है. उसको बोलना पहले मैं इसकी पूरी नॉलेज ले लूँ, फिर मैं इसमें एंटर करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहाँ भागे जा रहे हैं, मतलब क्या फर्क पड़ेगा. तो ठीक है, हम इसकी पहले पूरी ढंग से एक नॉलेज ले लें. तो ये, और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. एक और सवाल है रितेश जी का, वो कह रहे हैं कि हाउ कैन वी टेल विमेन दैट पीरियड्स इज अ विमेन प्राइड नॉट एनी काइंड ऑफ डिजीज, इट हैपेंस नेचुरली एंड देयर इज नथिंग टू हाइड एंड इट्स कॉमन, बट इन विलेज एरिया दे स्टिल फील एंबैरस्ड, सो हाउ कैन वी मेक देम मोर अवेयर. मैं शायद समझ ही नहीं पाई. मेंस्ट्रुएशन के लिए लेके शर्म आती है और लोगों को लगता है कि लड़कियों को एम्बेरस होने के लिए लगता है, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लड़कियों को कैसे एहसास दिलाए कि एक नेचुरल प्रोसेस है, और स्पेशली विलेज एरिया में वो ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती है पीरियड्स को लेकर. जब हम रितेश जी थैंक यू, आपने सवाल पूछा क्योंकि मेरा ही सबसे फेवरेट सवाल होता है कभी भी. तो जब हम बच्चों को स्कूल में बताते हैं ना मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो हम सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि अच्छा बच्चों कितनी लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स पसंद नहीं है, और 90% लड़कियां हाथ उठाते हैं यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा कितनी लड़कियां ये चाहती हैं यार पीरियड्स ना हो, भले लड़का बना दें, मतलब सिर्फ पीरियड के लिए, बाकी चीजें अच्छी लगती हैं लेकिन सिर्फ पीरियड के लिए मन करते हैं लड़का बन गया होते हैं, बहुत सारी लड़कियां हाथ उठाती हैं. फिर हम उनको पूछते हैं कि कितनी लड़कियां चाहती हैं कि पीरियड बंद करा दिए जाए, ये पीरियड्स हो ही ना दुनिया में. तो बहुत सारी लड़कियां एकदम कूद के कहती है यस मैम बंद करा दो, बिल्कुल पसंद नहीं है. तो फिर हम उनको बोलते हैं कि चलिए ठीक है, तो आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, साइंस इतनी आगे आ गई है, मेडिकल ने इतनी प्रैक्टिस तरक्की कर ली है, तो
लोग कहते हैं कि हवन में भी बड़ी ताकत होती है, तो एक बड़ा सा हवन ही करा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल देते हैं और जो भी किसी साइंटिस्ट के पीछे पड़ के दवाई बनाते हैं इस पीरियड को बंद करा देते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं इस पीरियड को बंद कराने के लिए? मैक्सिमम लोग हाथ उठाते हैं, कुछ हाथ नहीं उठते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं भाई पीरियड में तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, कि नहीं मैम पीरियड्स बंद नहीं होने चाहिए। हमने पूछा कि अच्छा चलो इस तरह से लेते हैं कि पीरियड्स बंद अगर हो गए, सारी दुनिया में हर लड़की के पीरियड्स बंद हो गए तो क्या होगा, दुनिया में किसी पीरियड्स हो ही ना, तो अपने कुछ तो बोलते हैं बहुत मजा आएगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैम फिर तो दुनिया में बच्चे ही नहीं होंगे, बहुत शर्मा के बोलेंगे कि मैम फिर तो दुनिया में बच्चे नहीं आएंगे। तो मैं बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ना हो बच्चे, हम क्यों दुनिया भर की जिल्लत जलालत झेले, ये लोग हमें परेशान करते हैं, हमें तरह तरह के नाम रखते हैं, गंदी अशुद्ध ये बोलते हैं, ना हो बच्चे हमने का ठेका ले रखा है, पर पीरियड्स नहीं होने चाहिए। मैम अगर बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया में जनरेशन नई जनरेशन कैसे आएंगी, ना आए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे मैम फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी ना। तो मैं बोलती हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं क्या हम लोग, हमें पीरियड्स आते हैं तो नई जनरेशन दुनिया में आती है, दुनिया में पॉपुलेशन बन रही है और इसी वजह से दुनिया चल रही है। तो दुनिया में इंसान का अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, पर ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो उसके बाद लड़कियों का ना एकदम से चेंज हो जाता है एटीट्यूड। फिर मैं बोलती हूँ कि अच्छा ये बताओ डायनासोर किसी ने देखा है? तो बच्चे बोलते हैं नहीं मैम हमने तो सिर्फ सुना है। तो मैं पूछती हूँ कि अच्छा अगर डायनासोर दुनिया में नहीं है तो सोचो कि अगर लड़कियों को पीरियड नहीं आते दुनिया से, डायनासोर खत्म हो गया, एक दिन इंसान भी खत्म हो गया होता क्योंकि लड़कियों को तो पीरियड्स नहीं आते। हाँ मैम ऐसा होता। फिर सोचो कि कोई एलियंस आते और आके धरती पर, जैसे हम डायनासोर को ढूंढते हैं गड्ढे खोद खोद के और उसके पूरा बनाते, इतना बड़ा होता था, उसके दांत होते थे, पूंछ होती थी, तो ऐसे इंसान को कैसे ढूंढ रहे होते एलियंस आते? अरे इंसान के तो दो हाथ हुआ करते थे, फिर कोई कहता भाई पैर भी थे, तो बच्चे पूरी क्लास एकदम गिगलिंग शुरू हो जाती है। कि मैं बोलती हूँ कि ऐसा करना नहीं पड़ रहा क्योंकि दुनिया में लड़कियां समझदार हैं, उन्होंने कहा कि कितना भी भला बुरा कहो पर भगवान की बनाई सुंदर दुनिया को हम खत्म नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी झेलना पड़े। तो अब मैं पूछती हूँ कि इतनी सारी भगवान ने इतना इम्पोर्टेंट काम हमें दिया, इतना सब सुनने के बाद भी हम पीरियड्स आने दे रहे हैं, तो क्या ये सच में शर्म की बात है या गर्व की बात है? मतलब अगर हम सोचे तो एक बार मुझे कैप करके बता दीजिए कि क्या इस सब ये सब जानने के बाद कहीं से भी मन में आता है कि पीरियड शर्म की बात है या गर्व की बात है? तो दो लोगों को गर्व की बात लगी अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है कि इतना बूस्ट, इतनी एक ये कुछ सेंटेंस ना, और इवन लड़के भी, लड़कों से भी मैं पूछती हूँ ना कि अब बताओ कि 11-12 साल की लड़की जो तुम्हारे जैसे खेलना चाहती है, तुम्हारे जैसे दौड़ना चाहती है, तुम्हारे जैसे हर काम करना चाहती है, अचानक से उसकी जिंदगी में ब्रेक लग जाता है, उसको पीरियड्स आ जाते हैं जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती लेकिन फिर भी आ जाते हैं, और उस पे वो लड़की डर जाती है कि मेरा खून निकल रहा है, आपका छोटा सा चोट में खून निकल जाए, उसके बाद उसकी मम्मी उसके कंधे पे एक भूत बिठा देती है, किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। अब वो 10-11 साल की लड़की उस ब्लड से भी लड़ रही है, उस दर्द से भी लड़ रही है, उसे ये भी ध्यान रखना है कि किसी को पता ना चल जाए, और उस सब के बावजूद वो क्लास में फर्स्ट आके दिखा देती है, वो दौड़ में तुझसे आगे निकल के दिखा देती है, फिर बताओ क्या पीरियड्स होना शर्म की बात है? तो ये कुछ सेंटेंस है कि मतलब कई बार लड़कों ने मुझे बोला कि मैम आज पहली बार एहसास हुआ कि मतलब अब तक कहने से करते थे कि किसी लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आज दिल से रिस्पेक्ट आ रही है कि हाँ ये करना चाहिए, कि कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से, उस जोन में एंटर करके ही नहीं देखा कि एक लड़की कितना कुछ सहती है, वो अपने पापा के दर्द हो रहा है, पापा आगे कुछ नहीं तो बुखार हो रहा है, क्लास में टीचर की भी डांट सह लेते कि तुम्हें तो बहाना चाहिए, ऑफिस में भी डांट खा रही होती है कि तुम्हें तो छुट्टी लेने के बहाने चाहिए, लेकिन वो क्या सह रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया चलती रहे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर अपने बच्चों को किसी तरह समझा सके तो मुझे लगता है कि मैं जितना अपने एक्सपीरियंस से कह पा रही हूँ कि पीरियड्स में शर्म आता, मतलब उल्टा ही हो जाता है, चेंज हो जाता है पूरी क्लास में, कहते जरा जो पूरे स्कूल को सुना दो कि हम आज किस पे बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियां खूब चिल्ला के बोलते हैं हम पीरियड्स पे बात कर रहे हैं, तो वो डर वो शर्म वही छूट जाती है अगर हम सही तरीके से समझा पाते हैं चीजों को। तो किसी ने भी किया था शायद कल्पना मैम, मुझे लगता है कि हम इसको खत्म करते हैं, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा फीडबैक आप दे दें कि आपको कैसा लगा, और कुछ ऐसा सवाल है जिसको कि आप मतलब चाहते हैं कि मैं और एड्रेस करूं। अपना फीडबैक देने के लिए आप प्लीज थम्स अप यूज कर सकते हैं, जो जो फीडबैक देना चाहते हैं बोलने के, जो बोल के देना चाहते हैं वो थम्स अप, और बाकी सेशन चैट में। कल्पना मैम आप बात कर सकते हैं प्लीज, अपने आप को अनम्यूट करके।
जी मैम, हेलो जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ, जैसे आपने बताया कि हम लोग भी बहुत सारे बच्चों के साथ और स्कूल में जब ये सब काम करते हैं तो वी फील प्राउड कि जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे शुरुआत में ओपन नहीं होते हैं, ग्रेजुअली दे ओपन अप कि हाँ नहीं मैडम ये भी जरूरी है, ऐसा है, इस तरह से है। तो बच्चों में ये अवेयरनेस अगर हम पर्टिकुलर एज के साथ शुरू करते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी टू बी एक्सेप्टेड इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। और जैसा आपने बताया ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को एक पर्टिकुलर एज के साथ शुरू कर दे, और स्कूल्स में स्पेशली इंडिविजुअली एज वेल एज इन ग्रुप जिनके जैसे कंसर्न्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वंदना मैम कुछ कहना चाह रही हैं। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। वंदना मैम मुझे भी काफी दिक्कतें आती थी बच्चों के साथ सेशंस लेने में, लेकिन मैम थैंक यू सो मच, जो भी छोटे छोटे डाउट थे। एंड मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने हर एज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बताया और उसके साथ साथ ये कि हम किस तरह से उनसे डील करें। सो आई होप कि अब मैं जब बच्चों के साथ सेशन लूंगी तो मुझे दिक्कतें नहीं आएंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नेहा जैन जी प्लीज कुछ बोलना चाहते हैं। थैंक यू मैम। वंदना मैम अगर आप रेडी हैं तो आप बोल सकती हैं। मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन, आई कम टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स विद यू, थैंक्स अ लॉट मैम। वेलकम मैम। अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाई। नहीं, वेरी गुड मैम, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, एक्सीलेंट। Sometimes in school na we feel ki children they said something like that in fourth standard generally, one day one boy said to girl dekho aapke sath sex karna hai, tu mere sath sex karegi? To see the girl, she went to home and she said mereko to us bacche ne aisa bol diya, uski mummy fir phone karke bolti ki ye sari problems we all also deal with these types of problems every day. बट दैट टाइम ये देख के नहीं, ये सेक्स आप वो क्यों सोच रहे हो, आप तो आप गर्ल हो आप बॉय हो उस तरह से सोच के देखो। तो उस तरह से वी आल्सो यूज्ड टू डू दैट थिंग्स एवरी टाइम एवरी डे, तो वेरी गुड यू नो, अवॉइड करने की बजाय राइट डायरेक्शन देना ज्यादा सही रहता है। हां दैट इज द करेक्ट थिंग मैम। थैंक यू मैम। वेल थैंक्स अ लॉट मैम। नेहा जैन मैम कुछ बोलना चाहती हैं। ये कौन है? मामा है ना? क्यों? तेरे को दादा ने क्यों लिखा है? इसके नाम के साथ म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। नहीं और किसी का कोई सवाल है या फिर हम इसको वाइंड अप करें जैसे आपको लगता है बताइए। ये विनय कुमार जी का सवाल, विनय कुमार जी का सवाल है। और एक बार भी नजर नीचे ना जाना सोचना, इट वॉज वेरी गुड। ये सोच के ही अच्छा लग रहा है कि डेढ़ घंटा आई कुड टॉक अबाउट इट एंड नॉट बी अशेम्ड, बिल्कुल शर्म नहीं आई, बहुत ही बढ़िया था। मैं जानना चाहती हूँ विल कंटिन्यू दिस, आप ऐसे सेशन लेते रहेंगे, यू विल कीप गिविंग अस स्मॉल स्मॉल एनलाइटनमेंट्स फर्दर अहेड, या हाउ विल इट प्रोसीड फर्दर? ये सब कुछ आप ही के ऊपर है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ और जरूरत है तो आपके पास मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इस पे और बातें कुछ करनी है, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ज्यादा है कभी और के लिए, मतलब ये आप तो आप ही लोग बता सकते हैं ना कि जरूरत कितनी ज्यादा है इसके आगे। What does everybody think? आपको ऐसा लगता है कि हमें at least 15 days में एक बार इकट्ठा होके अपने doubts, अभी तक हमें मालूम नहीं था हम कितना खुल के पूछ सकते हैं, अपने
क्वेश्चंस, अपने इंसिडेंसेस अपने बच्चों से रिलेटेड, बिकॉज मेरे घर में क्या हो रहा है मैं जानती हूँ, आपके घर में क्या हो रहा है आप जानते हैं. अगर हम सब छोटे छोटे इंसिडेंसेस इकट्ठे करेंगे तो ज्यादा अच्छा डाटाबेस बन जाएगा. तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वी गाइस कैन प्रोबेबली सुरभि कैन ऑर्गेनाइज की वी कैन कम बैक आफ्टर 15 डेज और अ फोर्टनाइट और टू फोर्टनाइट्स. क्या हम इसको आगे फेसबुक वगैरह पे कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगे तो आपके पास फेसबुक पे भी लाइव. सोसाइटी नीड्स डायरली लेडीज लाइक यू बिकॉज़ आई एम अ टीचर. डेली आई डील विद 200 गर्ल्स एंड यू कैन नॉट इमेजिन देयर थिंग्स एंड देयर हैपनिंग्स रिगार्डिंग दिस. Means all the girls in 11th and 12th are basically attracted toward all these things instead of their studies. So we direly need you. Please keep in touch with us and keep guiding us about all these things. Thank you so much. लगता है कि अभी हम फिर इसको wind up करते हैं. अभी अगर किसी का कोई सवाल बाकी नहीं है तो एक last request. आप सब अपनी email IDs यहाँ drop कर दीजिए. अगर कर सकते तो चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी प्लीज ड्रॉप कर दीजिए. आपके नंबर तो हमारे पास है. और अगर आपको फिर भी कभी लगता है ना कि कोई ऐसा सेशन या कुछ भी ऐसे सवाल है तो मुझे लगता है कि सारे जवाब मेरे पास भी नहीं होंगे, पर मिलके तो हम कम से कम कुछ जवाब इकट्ठे कर ही लेंगे. मिलके हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. पहला दरवाजा आज खुला है, पहली खिड़की आज खुली है. मतलब दरवाजा तो नहीं कहूंगे, वो तो खिड़की ही खुली है कि हम लोग उसमें फ्रेश एयर उसमें फील कर पा रहे हैं कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं. अभी आज तो मुझे लगता है कि हम उस लेवल पे खड़े हो पा रहे हैं कि हाँ हम कंफर्टेबल हैं कि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो और अभी बहुत सारे जब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ी सी सवाल आएंगे मन में. तो अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हैं तो एक बार क्लैप वाला साइन बता दीजिए और फिर हम लोग क्विट कर जाते हैं. I'm Dr. Sujit. और yeah. So, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से अभी क्या होता है, कभी कोई सेशन होता है तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चलते हैं. अभी आपने जो चीजें बताई ये एक एक्टिवेटेड सिचुएशन है. अभी हम सब अब एक लेवल ऊपर आ चुके हैं थोड़ा आपकी बातों से, मोटिवेशन से. लेकिन ये बहुत देर तक कायम नहीं रहती है. जो आपने कहा कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत जरूरी है. अभी बाहर निकलेंगे फिर हम जो फैक्चुअल सिचुएशंस को फेस करते हैं तो हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं, उसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता. इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी फ्रिक्वेंसी रहे सो दैट आप, और ये कोई अभी से अचानक हम रिजल्ट ढूंढने लग जाए. कई बार क्या होता है कि हमारी चीजें हमें हाइपोथेटिकल लगने लग जाती हैं कि ये अच्छा ठीक है, बातें तो हमने बहुत अच्छी की लेकिन जो चीजें हैं ग्राउंड पे वो वैसी नहीं है. जैसे अभी एक मैं अभी सुन रहा था कि स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह की बातें करते हैं. मैंने एक पीटीएम अटेंड किया था अपने स्कूल में, मेरी डॉटर जहाँ पढ़ती है, तो वहां पर सारे पेरेंट्स को वहाँ के जो काउंसलर हैं वो ये बता रही थी कि आपको मालूम नहीं है, आप कभी ध्यान नहीं देते कि आपके बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बातें करते हैं, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आजकल. उसमें गर्ल्स भी बहुत आगे हैं, केवल ये नहीं कि आपके बेटे हैं, वो लड़कियां भी. और वो अपने कपड़े पहनने को लेकर, हर चीज को लेकर वो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि वो किस डायरेक्शन में. हम इतने सारे बच्चे संभालते हैं स्कूल में, आपसे एक बच्चा नहीं संभालता. तो इस तरह की बातें स्कूलों में भी होती है. मुझे लगता है कि बहुत फ्रंट पे काम करने की जरूरत है. ये एक शुरुआत समझा जाना चाहिए इसको, और इसमें वक्त भी लगेगा. जहां हम पहुंच गए हैं, जिस व्यवस्था से हम वहां पहुंच गए हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए बातें हो रही हैं. शायद अगर वो ठीक होती तो हम इस कंडीशन में नहीं होते. तो इसलिए ये सब बदलाव हम सबको अपने अपने लेवल पे करने पड़ेंगे. सबकी अपनी कैपेसिटी है. डॉक्टर सुरभि जिस तरीके से समझाती हूँ, एक एक घर में जाके सब बच्चों को, सब पेरेंट्स को समझा दें तब तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. हम करते हैं कि जब 15 दिन हम मिलेंगे ना, मान लीजिए 15 दिन बाद हम एक सेशन रखते हैं, तो एक प्रॉमिस हम करते हैं कि हम एक बार अपने बच्चों से कन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट करें. मतलब हम फर्स्ट स्टेप के बाद मिलेंगे. अगर हमें लगता है कि हमने नहीं लिया है तो फिर हम उसको डिले कर दें भले, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम वहीं से फिर शुरू करें. हम एक स्टेप तो आगे बढ़ के फिर करें. तो और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कन्वर्सेशन के लिए, मैं की बता रही हूँ आपको, अपने लाइव एग्जांपल्स देते रहिए. आप भी फेलियर हुए थे, आपको भी प्रॉब्लम आई थी, आप लेकिन सॉल्यूशन मिला.
इससे बहुत बच्चों को ना एनर्जी मिलती है. मतलब ये मैं आपको मतलब पिछले 5 साल से मैं कर रही हूँ. बिना एग्जाम्पल के अगर आप बोलते हो तो वो भाषण होता है. अगर आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके उनको कोई बात बताते हो तो बच्चे समझते हैं कि बेटा मैं भी फेल हो गया था, मैं तो खूब रोया, मैं तो बहुत डरा. तो बच्चे को ये लगना चाहिए कि ये नेचुरल है. मतलब ऐसे ही मेरे साथ होना कि ये पापा सुपरमैन नहीं है, मेरे जैसे ही बड़े हुए मेरी तो वो आपकी बात सुनते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अपने आप को उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह प्रेजेंट करिए कि मेरे साथ फेलियर भी हुए, मेरे साथ रोना भी हुआ, मेरे साथ बॉडी शेमिंग भी हुई, पर मुझे बाद में पता चला मैं कितना बेवकूफ था. तो ऐसे कुछ चीजें जरूर अपने जब भी आप बात करें, मतलब हम 15 दिन बाद मिले तो एक कन्वर्सेशन हमारा किसी भी तरह शुरू हो चुका हो किसी भी लेवल पे. और उसमें सबसे अच्छी की होती है एज ए टीचर भी आप कभी देखेगा कि बच्चे ना अगर आप उसके सामने एक बहुत हीरो बनने की कोशिश करते हैं तो आपको फेल कर देते हैं. आप नॉर्मल ह्यूमन बींग बन के रहेंगे तो वो आपको खुद हीरो बना देते हैं. ये सही सच है जो मैंने पिछले 5 सालों में देखा है कि आप हर बात को ये मत सोचे कि ये मेरे साथ हुआ तो इसको बताऊंगा तो ये मेरी इमेज नहीं, उससे आपकी मतलब एक बॉन्डिंग तो बढ़ती ही है. ये मैं सबके लिए प्लीज बोल रही हूँ कि जब भी हम अगली बार मिले तो ये सब करके मिले. तो थैंक यू सो मच आपके इस पेशेंस के लिए और टाइम के लिए. तो हम लोग किसी का कोई सवाल अगर है तो अभी भी मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, थम्स अप है या जो भी है. ठीक, थैंक यू. मेरा एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि हम सारे इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं और हम सब लर्न भी करना चाहते हैं. तो अगर हम सोच रहे हैं आगे सेशंस कंटिन्यू करना तो नेक्स्ट टाइम हम अपने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें. लाइक हमें जैसे मैम ने शेयर किया कि उनकी बेटी के साथ उन्होंने बात की, तो शायद हमने अपने अपने बच्चों के साथ बात की होगी. तो हम किस चीज में हम सक्सेस हुए या किस चीज में हम फेल हो गए, तो हम अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें. और जो क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछते हैं हम उन्हें भी साथ लेकर आके यहाँ पे उठाए कि बच्चे ये चीजें जानना चाहते हैं. तो आई थिंक इस तरीके से हम लोग ज्यादा अपनी नॉलेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं शेयरिंग के. सर ने ये बोला तो अभी डॉक्टर सुजीत ने भी यही बात बोली कि हम जब धरातल पे खड़े होंगे तो उस समय की जो दिक्कतें होंगी हम उनको फिर डिस्कस करेंगे. तो मतलब अभी तो हम एक जगह भी तो हमने एक पैराशूट डाला है, अभी तो वहाँ उस धरातल पे जब उतरेंगे तो देखते हैं कि वो कितना काम करेगा. हो सकता है फेलियर होंगे और होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि हर सिचुएशन अपने आप में नहीं होती है. तो आप सारी सिचुएशन डील कर पाएंगे जरूरी नहीं है, लेकिन उस फेलियर से भी हमें कुछ तो सीखना ही है. एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हम सीखें तो अच्छी बात है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है सीखने. थैंक यू सो मच. करना है मीटिंग को.